Assalamualaikum. Good morning. Good morning with सभी. कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, इस वक्त आप देख रहे हैं फाइजा ब्यूटी क्रीम का जो है बैग. बिल्कुल वहां से हुआ था स्टार्ट. वो इसलिए स्टार्ट हुआ था कि पहले तो मैं आपको विश करूं, क्योंकि नई सुबह, नई उमंग, नई किरणों के साथ गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में फिर हाजिर है. और अभी आप देख रहे थे क्योंकि मुझे बहुत सी कॉल्स आई हैं और रेलेवेंट टू फाइजा ब्यूटी क्रीम के बैग से. वो इसलिए कि क्योंकि हमने सरप्राइज के अंदर एक ब्लॉकबस्टर एक और भी जो है सेगमेंट डाल दिया. वो ये है कि जो भी ये फाइजा ब्यूटी क्रीम का प्रोडक्ट लेगा, ए 1000 का ये बैग परचेज करेगा, हमने उसको देना है एक कूपन. और एवरी मंथ हम जो है उसका लकी ड्रॉ करेंगे. और उसके लिए मजीद जो है हमने कहा था हम लाइव शो में करेंगे. हमने और उसमें एक और ऐड कर लिया कि एक वुमेन एग्जीबिशन होने जा रही है, हम उसमें ये लाइव जो है जबरदस्त किस्म का आपका लकी ड्रॉ करेंगे. और स्पेशली वहाँ पे गेम शो है, और एक स्पेशली जो है वहाँ पे गेम शो है, और गेम शो में वो अब सिर्फ कूपन दिखाएंगे और उस गेम शो का हिस्सा बन जाएंगे. है ना ब्लॉकबस्टर सरप्राइज. तो ये फाइजा ब्यूटी क्रीम की जानिब से उन्होंने स्पेशल आप लोगों को ऑफर दी है. तो वुमेन एग्जीबिशन में भी आप आ सकते हैं और जस्ट आपने शो करना है कूपन, और कूपन दिखाते ही आप उस गेम शो का हिस्सा. और गेम शो में क्या क्या होगा ये तो बहुत ही मजेदार है. मेरा दिल करता है मैं हर गेम का जो हिस्सा बन जाऊं, लेकिन पॉसिबल नहीं है. इसमें जो है फैमिलीज जो है बिल्कुल आ सकते हैं, मियां बीवी भी आ सकते हैं और बहन भाई भी आ सकते हैं. और गेम शो का हिस्सा उसमें क्या क्या मिलेगा सोच रहे होंगे ना सभी, क्या क्या लेकर आइए जी. उसके अंदर आपको मिलेंगे बाइक्स, डिनर सेट, LCD, उम्रे का टिकट, और आखिर में जो है वहां खड़ी होगी बड़ी सी गाड़ी. और जिसने वो कूपन जिसके पास होगा देन वो हिस्सा बन जाएगा उस गेम शो का, है ना. और जस्ट कॉल 2103442069902. इस नंबर पर आपको ये 1000 का बैग मिलेगा. 1000 में, ओह माय गॉड, फाइजा ब्यूटी क्रीम, पूनिया ब्रदर्स, 2231 नवंबर ने हमारी वो सारी विशेष पूरी करनी है सिर्फ आपने गेम शो. उसमें बहुत सारे गेम्स होंगे. गेम्स क्या होंगे? जो आम एक फिजिकल गेम होते हैं, लाइक हम आपको कुछ खाने का कहते हैं जल्दी से खा के बता दें, और कुछ ऐसा होगा जो इसे म्यूजिकल चेयर उसमें विन करके बता दें, और कुछ अच्छा सा सॉन्ग सुना के बता दें. कुछ इतना बड़ा नहीं है कि आपने जो ओलंपिक्स जो है फतह करना है. जस्ट ओनली फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाएगी, हंसी मजाक भी हो जाएगा, और आपकी ख्वाहिशात को भी कर रहा है कौन पूरा? फाइजा ब्यूटी क्रीम, 2231 नवंबर, पूनिया ब्रदर्स. हम बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी और स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स को वो सपोर्ट कर रहे हैं कि वो वुमेन एग्जीबिशन का हिस्सा बना रहे हैं. ये भी बहुत खुशाइन बात है, और हम उनको बहुत हम उनसे थैंक्स करते हैं, क्योंकि शुक्रिया करना बहुत ज़रूरी है कि वो इन ख़वातीन का सोचते हैं जो ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, जो काम करती हैं. हम उनको जो है वो लोग यानी कि वो ब्रांड फाइजा ब्यूटी क्रीम वो उन्हें अप्रिशिएट कर रहे हैं. चलें जी, ये आज मैंने आपको जो थोड़ा सा सरप्राइजिंग टाइप का जो है मोटिवेशनल मैसेज दे दिया. मैं हमेशा वो अपने हेल्थ सेगमेंट, कुकिंग सेगमेंट, ब्यूटी सेगमेंट में बिजी हो जाती हूँ, तो ये रह जाता है. मैं चाहती हूँ कि आज जरा सा कुछ और मैंने चाह के आपसे डिस्कस भी हो जाए. अच्छा, ये तो हो गई ये बात आपके जो है गिफ्ट और सरप्राइज की. अब बात हो रही है उनकी जो लोग यहाँ पर आना चाह रहे हैं. जी हाँ, अगर आप जी हाँ बहुत ज्यादा जो टैलेंटेड हैं, डिजर्विंग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, यूथ हैं, और आपकी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको आप समझते हैं कि हम बता सकते हैं कि हमारी इस एक्टिविटीज़ में, इस वुमेन एग्जीबिशन में हम लोगों ने ये बेहतरीन काम किया, तो आप इस मॉर्निंग शो का हिस्सा बन जाएं. 03442069902 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, देन हमें कॉल भी कर सकते हैं और लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं. और ये हो गया आप लोगों के लिए, क्योंकि आप समझते हैं कि सभी जो है वो आपको इन्वाइट नहीं करना चाहती. ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ इस नंबर के दरमियान एक हाई लूँ. जब तक आप हमें नहीं मेंशन करेंगे मैं कैसे आपको बुलवाऊंगी. आप बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे शो को देखते हैं, कुकिंग सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं तब भी आप आ सकते हैं. अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तब भी आ सकते हैं. और अगर आप
कोई भी ऐसा काम जो आप समझते हैं तमाम पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में बताया जाए तो देन आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज हो गई है बहुत लंबी बात, जी हाँ आप लोगों के साथ ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब मैं अपने गेस्ट के साथ इंट्रक्शन में होती हूँ तो आपसे बात रह जाती है। चले जी हम चलते हैं कहाँ पर, अरे कहीं नहीं जाना है यहीं रहना है। आप समझे सभी उठने वाली, कहीं नहीं जा रही हूँ मैं यहीं पर हूँ क्योंकि मेरे जब अच्छा मैं ये बताना चाह रही हूँ ये अभी तो हेल्थ सेगमेंट और हेल्थ सेगमेंट में मैं एक बात कहना चाहिए जो मेरे साथ होती है देन जब हम रेगुलर और मेरी टीम भी ऐसा ही है कि डिफरेंट काम में बहुत बिजी होती है तो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखती और हमारे हड्डियों में बहुत दर्द होने शुरू हो जाता है और कभी मैं सेगमेंट जब सेलेक्ट करती हूँ वो इसी रीज़न से होता है कि वो जो लोग हमें बता रहे होते हैं तो हम कहते हैं जैसे उस दिन एलर्जी की बात हो रही थी तो हमारे हर्बलिस्ट मौजूद थी वो बता रही थी बच्चों से रेलेवेंट कि ख़वातीन किस तरह जो है केयर नहीं करी। इसी तरह सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि हम लोग अपनी जो है हड्डियों का ख्याल नहीं रखते और हमारी मुझे भी उस दिन ड्राइव कर रहे होते हैं या बाइक पे बैठे होते हैं तो बा खुदा मेरे यहाँ पर ऐसी मेरी जो है अब मुझे नॉलेज तो है नहीं है क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट डॉक्टर एंड नॉट हर्बलिस्ट तो मैं यहाँ पर मुझे इतनी शदीद पेन हो रहा था और मैं कह रही हूँ अल्लाह पता नहीं क्या है। अब हम लोग कंपेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोग नहीं जानते नो हाउ नहीं होती ना तो इस वजह से होता और कुछ नहीं। अब इसे या तो पट्ठों का चढ़ना कहते हैं या नसें चढ़ना कहते हैं मसल्स पेन है या बोन्स का आई डोंट नो। आज हम इन छोटी छोटी बातों को डिस्कस करेंगे, हर चीज हड्डी या बोन्स नहीं होते हैं। आज हम आपको अवेयर करेंगे कि बोन्स की प्रॉब्लम्स कहाँ से होती हैं, मसल्स पेन एंड टिश्यूज जो हमारे सेल से हमारा बॉडी बना है जो जैसे बच्चा छोटा होता है ग्रूम अप होता है लाइक इस तरह वो हमारे लिए क्या नसों में कैसे प्रॉब्लम्स होती हैं, ब्लॉक कैसे होता है ब्लड, आज हम इन तमाम जो है बातों से डिस्कस करेंगे और हर्बलिस्ट मौजूद हैं बेहतरीन डॉक्टर हैं और माशाल्लाह सारा दिन अपने पेशेंट में बिजी रहते हैं फरहाद हर्बलिस्ट। फरहाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। और मेरे ख्याल में मैंने इंट्रो जो हेल्थ सेगमेंट में दे दिया वो आपको समझ में आ गया जी? बिल्कुल ऐसा है कि नहीं? तो मुझे आज मैं अपने नाज़रीन को बताना चाह रही हूँ कि हम लोग कैसे जज करें, जैसे मुझे यहाँ पर अब मैं यू गर्दन भी कर रही थी तो मेरे पेन हो रहा था तो ये क्या अब इसे किस लैंग्वेज में या क्या समझेंगे कैसे? असल में जिस तरह आपने अपनी तरफ से बात शुरू की है कि आपको सर्वाइकल पेन स्टार्ट हुआ है ऑन ड्राइविंग, तो बेसिकली सबसे पहले इसमें इंटरनली विल पावर देखना होता है कि आपका इंटरनली विल पावर कितना है। अब उसमें आपका कैल्शियम भी है, विटामिन D3 भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो मिल्क है। अब काफ़ी सारी लेडीज़ हैं वो मिल्क अगर लेती भी हैं तो रात में लेती हैं, लेकिन वो क्या होता है कि सुबह उठते ही वो वेस्ट हो जाता है, उसको डाइजेस्ट होने में 2 आवर्स चाहिए। तो असल जो दूध का वक्त है वो सुबह के वक्त है ताकि वो रोटेट हो आपकी बॉडी में और आपकी बॉडी में कैल्शियम पैदा करे जिसकी वजह से आपके पट्ठों में नैरान और कैल्शियम पूरा हो, तो उससे बेवजह मसल कभी नहीं खींचेगा। अब इसमें दूसरी चीज़ ये होती है जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं उसमें आपकी अगर वेंस ब्लॉक होती है या आपकी डिस्क की वजह से तो ये वजह भी होती है आपकी पेन की। तो मुख्तलिफ किस्म के ट्रीटमेंट्स हैं लेकिन इसमें लोगों को अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि सही गाइडलाइन मिलती नहीं है, लोगों के पास टाइम नहीं है पेशेंट को देने के लिए, इस वजह से लोग दर बदर घूम ही रहे हैं, वो सही जगह पहुँच नहीं पा रहे। सर्वाइकल में साइड की जो आपकी नर्व सिस्टम होता है, अब इसमें काफ़ी लोगों को मालूम होता है कि मेरी सर्वाइकल नर्व पिंच हो रही है, मुझे बाजू में तकलीफ हो रही है, नमनेस हो रही है, लेकिन बहुत से लोगों को मैं जब चेक करता हूँ ज़्यादातर लेडीज़ को 80% लोग अपना ECG करवाते हैं जिनको सीने में तकलीफ होती है और वो 10 दफ़ा ECG करवाने के बावजूद भी वो क्लियर आती है। उसकी वजह यही है कि वो सारा सिस्टम यहाँ से अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि वो आपके फ्रंट हिस्से को पिंच करता है, आपको तकलीफ करता है। अब वो जब अब पेशेंट क्या कहता है कि मुझे गर्दन से मुझे सीने में तकलीफ आ रही है, पेशेंट की गलती ये है कि वो कहता है बस मेरा दर्द कम हो जाए। कभी भी दर्द को ना देखें, उसके अंदर की आप कंडीशन को चेक करें, उसकी नौयत का अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें लोग जाके फौरी एक्सरे और MRI करवाते हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक्सरे और MRI में आती नहीं हैं, तो हीलिंग टच वाला कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो उसे चेक करके आपको उसकी नौयत का अंदाज़ा बताए कि इसमें जान कितनी है और जान नहीं है, उस हिसाब से फिर हम पेशेंट को डील करते हैं, उसका केस पे डिपेंड करता है और फिर कुछ चीज़ें साथ में इंटरनली भी लेनी पड़ती हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अच्छा फरहाद ने बहुत ही प्यारी बात कही, वो ये कि
ये शायद हमारी नॉलेज में ना हो, हम रोजाना जो है अपने बच्चों को कि रात को दूध पी के सोया करें, दूध पी के सोया करें। मैं ये नहीं कहती कि वो गलत करें, लेकिन अगर हमें ये बेहतरीन मालूम हो जाए, ठीक है, अगर हो सकता है उस बच्चे ने 9 बजे दूध पिया हो रात को और वो 2 घंटे के बाद हो जाए, उसके लिए बेहतरीन हो जाए। लेकिन सम टाइम हम पीते ही सो जाते हैं। फरहाद ने उन लोगों को मेरे ख्याल में मेंशन किया जो ये समझते हैं कि गर्म गर्म दूध पिया और अब बिस्तर में चले जाओ और सो जाओ, देन वो आपके लिए नहीं बेहतर। और अगर आप सुबह में लें तो उसका ज्यादा बेनिफिट है, ऐसा ही है कि नहीं? अच्छा एक और बात, ये तो आपने, अब आपने कहा, आपने खुद ही सवाल किया कि मसल्स या बोन्स में हम, हमारे अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी है, लेकिन आपने देखा होगा कुछ लोग एक्सीडेंट से उनके बोन्स में नहीं होता, उनके मसल्स में टिश्यू ब्रेक हो जाते हैं। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि वो पेन कितने टाइम पर रिलीव होता है मैक्सिमम? टिश्यूज डैमेज होना, जिसको हम एक आसान लैंग्वेज में कहते हैं गोश का फट जाना। अब अमूमन कुछ लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि वो कहते हैं इतनी बड़ी चोट नहीं है, उसकी सबसे पहली निशानी होती है कि उसका कलर चेंज हो जाता है। ओके। ब्लैकिश सा हो जाता है और नीला सा हो जाता है, आपने भी देखा होगा। अब उसमें क्या करते हैं लोग कि घर पे उसको सबसे पहले ऑयलिंग करने की कोशिश करते हैं। ओह माय गॉड। इसका सबसे पहला तरीका ये है कि कभी भी टिश्यू डैमेज पे ऑयलिंग ना करें, वो आपको मजीद नुकसान की तरफ लेके जाएगा। और उसका सबसे पहला नुकसान है कि सॉइल होना शुरू हो जाता है। अब इसमें क्या है कि एक छोटा सा, इसमें मैं आपको एक टोटका बताना चाहूंगा कि लोहरी नमक आपने सुना होगा, दिल्ली वाला जी, उसमें खुदा की कुदरत ऐसी है कि वो आपके फटे हुए गोश्त को जगह पे लेके आता है। अल्लाह, उसको अगर आप एक दफा रात में अपनी बॉडी के अंदर उसको आप सिकाई करेंगे नीम गर्म वाटर से, तो विद इन 3 to 4 days में आपको खुद ब खुद फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको चावल अवॉइड करने पड़ेंगे, और हमारे कराची में 90% लोग चावल इस्तेमाल करते हैं। ये क्या बात है, ये फरहाद पहला डॉक्टर है जो कह रहा है जख्मों पे नमक छिड़क दो। असल में छिड़कना नहीं है उसको, इनहेल करना है इसको। या मैं तो ऐसे कह रही हूं डॉक्टर, ये क्या कह दिया सभी ने। अच्छा आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं, क्योंकि जब डॉक्टर मौजूद है मैं तो सवाल कर ही रही हूँ और वो खुद ही माशाल्लाह इतनी अच्छी गुफ्तगू करें, लेकिन मैं जरा सा माहौल ऐसा करती हूँ कि आप लोग भी हमें क्वेश्चन कर सकते हैं रेलिवेंट टू योर प्रॉब्लम्स, क्योंकि स्पेशली बोन स्पेशलिस्ट मौजूद हो तो आप क्यों ना पूछें हमसे क्वेश्चन। अच्छा बात हो रही है टिश्यू ब्रेक की भी मैंने बात की, आपने बोन्स की भी बात की। कुछ लोगों का वेट इतना हो जाता है तो उनके नीज जो है वो बहुत ज्यादा, ये जो हम लोग कहते हैं घुटनों में दर्द, और बेसिकली हम सोच रहे थे हमारे घुटनों में दर्द है, क्या ये ऐसा है कि हम हमारे वेट की वजह से घुटनों में दर्द होते हैं, या घुटनों में दर्द होने का रीजन क्या है? आपके वेट की वजह से अगर आपके घुटनों में तकलीफ होगी तो वो 40 ईयर्स के बाद होगी। आपका जो भी आपका विल पावर है, खुदा का निज़ाम है कि जब वो डाउन होना शुरू होगा तो वेट की वजह से आपके घुटनों में तकलीफ आना शुरू होगी। अब इसमें घुटने वाले एक पेशेंट वो होते हैं जिनको चोट की वजह से दर्द आता है। अब वो जो चोट की वजह से घुटने का पेन आता है वो कभी भी उम्र देख के नहीं आता, वो 14 साल के बच्चे से लेके 80 साल तक के बुजुर्ग को आता है। अब उसमें घुटने में दो चीज़ें होती हैं, बाजू का लेगमेंट में गैप आ जाता है जिसकी वजह से सॉइल होकर घुटना बेशेप हो जाता है। मैंने अपने पेशेंट्स में, लेडीज में, जेंट्स में, बच्चों में देखा है बॉडी स्लिम में घुटने इतने बड़े बड़े, क्योंकि उसके साथ जो आपका नर्व सिस्टम है जब वो ब्लॉक होता है तो आपके पैरों पे वर्म आता है और आपको हील पेन होता है। और अक्सर लोग कहते हैं मुझे हील पेन है। अब हील पेन के लिए डॉक्टर क्या कहते हैं, यूरिक एसिड बढ़ गया। बड़ा होगा बिल्कुल, लेकिन उसका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं घुटने से है। तीसरी चीज, बहुत से लोगों के घुटने चेक करने के बावजूद ठीक होते हैं लेकिन उनके घुटनों में तकलीफ होती है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि उसका लोअर लंबर स्पाइन से जो शेडी का नर्व सिस्टम उसके नीज के पास से गुजर रहा है वो उस पर पेन देता है। अब पेशेंट कहता है मुझे घुटने में तकलीफ है, हमने मान लिया, लेकिन वो पेन का इलाज करने के बावजूद भी वो पेन आपका नहीं जाएगा, उसको फर्क पड़ेगा ही नहीं, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। उसकी वजह यह है कि आप उसको चेक करते ही नहीं, क्योंकि पेशेंट कह रहा है बस मेरा दर्द खत्म हो जाए। कभी भी दर्द को देख के इलाज ना करें। मसला ये है कि जो मॉलेज जो डॉक्टर आपको जब टाइम दे रहा है ना, तो समझे आप कहीं ना कहीं शिफा जरूर है। जो शख्स आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है आपको कभी भी वहां से फायदा नहीं हो सकता। बोन्स एंड मसल्स के लिए जितना मेडिसिन से अवॉइड करेंगे कि कोई दुनिया की एक ऐसी टैबलेट बनी हो कि आप खा लें हड्डी जगह पे आ जाए, नसें आपकी खुल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। विटामिन ले सकते हैं, बेस्ट सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोच के लेते हैं कि आप खाएंगे और आपके जोड़ जगह पे आ जाएंगे, आपके घुटने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, ये ठीक नहीं है। एंगल्स भी बहुत डिपेंड करते हैं। अगर आपके एंगल्स ठीक नहीं है, आपकी फिजियो नहीं है,
तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम आपका दर्द ठीक कर देंगे लेकिन आपकी चाल ठीक नहीं कर सकते। चाल के लिए पेशेंट को खुद रिकवर होना पड़ता है और यहाँ पे टाइमिंग नहीं है उठने की, आबो हवा ऐसी है, पानी का सिस्टम ऐसा है, इसी वजह से लोग बैकवर्ड होते जा रहे हैं। बहुत फरहाद ने बहुत टच जैसे बोलते हैं ना बात की, उन्होंने कहा कि आप ये ना समझे कि आपने मेडिसिन खा दी वो रिलीफ के लिए, लेकिन कोई ये कहे कि इससे आपकी जो है वो बोन्स जुड़ जाएंगी, जैसे हम समझते हैं मे बी रिलीफ तो हो जाता है, ऐसा नहीं है नहीं होता, लेकिन इस डाउट में ना रहें। और उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उन्होंने कहा कि अपनी न्यूट्रिशन वैल्यूज, क्या चीज़ें आपके अंदर कमी रह गई है जिसको आपने इतना लॉन्ग ड्यूरेशन, जैसे अभी हमारे बाल है ना, एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, उन्होंने उसी से रेलेवेंट बात करना चाहूँगी। अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी को वो चीज़ की नीड है, अब उसको हम एक दिन नहीं दिया, अच्छा चले कोई बात नहीं कल, अच्छा मैं इसको एक हफ्ते बाद, जब आप उसको 15-20 दिन छोड़ेंगे ना, मैं अपने सर पर ऑयलिंग करती हूँ, अगर मैं उसे एक हफ्ता नहीं दूंगी, फिर मैंने 20-30 दिन कर दी, तो मेरे बालों में वो चीज़ें खत्म होने लगी, प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल इंटरनल ऑर्गन्स को भी इसी तरह। अब एक टाइम होता है रात को, फिलहाल मैं एक बात कहना चाहूँगी कि रात को 12 बजे जब हमारे ऑर्गन का काम होता है, शुरू होता है वर्किंग, हम उस वक्त उसको खाना देना शुरू कर देते हैं, चलो यार रात को 12 बजे 2 बजे, चलो एक आध दिन तो चल गया, वो भी कहते चल खैर है मैं भी आज नहीं काम करता, लेकिन अगर उसे हम रूटीन में, हमारी ये कि हमारी फैमिली ने 12 बजे के बाद खाना खाना है, तो फिर बताए उसके साथ आगे 20 साल बाद क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मेरे एक दोस्त के साथ मेरी बात हो रही थी, उनका चाइना में आना जाना बहुत ज्यादा है, तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछा कि चाइनीज लोगों का डाइट प्लान क्या है, वो इतने एक्टिव और इतने वेट लॉस कैसे होते हैं वो लोग। उन्होंने कहा कि 7 बजे, शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि 7 बजे वो अपनी जो भी शॉप्स हैं, जो भी कारोबार है, वो उसको बंद कर देते हैं। 7 बजे उनका खाना रेडी होता है, जिसमें वो फ्रूट्स के साथ थोड़ा सा खाना खाते हैं, जो भी चाइनीज फूड होता है। उसके बाद अक्सर चाइनीज के घर के सामने पार्क होता है, क्योंकि उनके घर ऐसी जगह पे है, वो खुला एरिया है, वहाँ पे वो उसी वक्त फिजियो करते हैं, उसी वक्त वो एक्सरसाइज करते हैं, उसी वक्त वॉक करते हैं। विद इन 9 आवर्स 10 o'clock में वो बिल्कुल सो जाते हैं, और सुबह फिक्स 7 बजे उनकी शॉप्स ओपन हो जाती हैं। और सुबह गर्म पानी उनके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए उनके 70 साल के बुजुर्ग का हमारे 70 साल के बुजुर्ग से आप कंपेरिजन करें तो पॉसिबल ही नहीं है। फिटनेस आपको खुद ही बता देगी। घुटने की बात जो बीच में रह गई थी, उसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, इसमें यह है कि अब एक घुटने में तकलीफ है और हम उसका इलाज कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको ठीक भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम पीरियड लेगा, वो एक प्रोसेस होता है पूरा, लेकिन फिर भी अगर उसमें फ़र्क ना पड़े और उसके अंदर ताकत ना हो, तो घुटना तब भी ठीक नहीं हो सकता। अब पेशेंट कहाँ जाएगा, ना डॉक्टर के पास इलाज, ना हर्बलिस्ट के पास इलाज, ना फिजियो में इलाज। उसका तरीका ये है कि घुटने में सबसे पहले चिकनाहट, जिसको कार्टिलेज कहते हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है। अब वो अक्सर लोग 40-50 के बाद मेडिसिन की तरफ जाते हैं, लेकिन वो उससे पूरा होता नहीं है, वो सिर्फ एक टाइम गुजारना है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, जिससे आपका मर्ज बढ़ता रहता है। कार्टिलेज के लिए भिंडी का पानी बहुत ज़रूरी है, जो अक्सर लोगों को नहीं पता, और जिनको पता है उनको तरीका नहीं पता। अक्सर लोग 15 दिन करके छोड़ देते हैं, जिसका असर महीने बाद शुरू होता है। 3 मंथ्स अगर आप भिंडी का पानी इस्तेमाल करें ना, मैं गारंटी देता हूँ, आप मशीन पर कैल्शियम टेस्ट करवाएं, सब पूरा होगा, ऑटोमेटिकली आपकी हड्डी अपनी जगह पकड़ना शुरू कर देगी। मेथड क्या है, मतलब इसका होम रेमेडी? इसका जी तरीका ये है कि 4 भिंडियाँ होती हैं, उसको आप बीच से कट कर दें, कट करके उसको सादे पानी में भिगो के रख दें, सुबह वो सारा गाढ़ा लेश बन जाएगा। आप उसको अगर बहुत ज़्यादा वो गाढ़ा है, थिक है, तो उसको आप वाटर डिप करके उसको पतला करके आप इस्तेमाल करें, आहिस्ता आहिस्ता आधे कप से स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए उसे, महीने बाद आप उसके आदी हो जाएंगे। सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि उसमें टेस्ट नहीं है, ना वो कड़वा है ना वो मीठा है, आपने उसको पीना है कुछ भी करके अपनी सेहत के लिए। 2 से 3 महीने बाद आधे से ज़्यादा आप खुद ठीक हो जाएंगे। पब्लिक मैसेज है, मैं चाहूंगी मेरा भाई कैमरे की तरफ देख के बताएं, दोबारा बताएगा ये होम रेमेडी जो जिनके घुटनों में लेस खत्म हो जाता है, जिनके घुटनों में लेस खत्म हो जाता है और उनके घुटनों में बहुत दर्द होता है, अगर वो फरहाद बकौल फरहाद के वो 3 महीने इस्तेमाल करे, तो वो मेरे ख्याल में कभी भी उनको घुटनों का प्रॉब्लम, अब फरहाद बताएंगे वो क्या टिप है। जी मैं इसमें सबसे पहले वो बात करना चाहूंगा कि जिस चीज में मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, घुटनों का इलाज बिल्कुल मौजूद है। इसमें ये कि थोड़ा सा आपको अच्छी गाइडलाइन मिलनी चाहिए, अच्छा डॉक्टर मिलना चाहिए, ठीक है। आप अगर आप ठीक जगह पहुंच भी जाते हैं, उसके बावजूद आपके घुटनों में से आवाज़ें आ रही हैं, आपका विटामिन D3 भी ठीक है, कैल्शियम भी ठीक है, लेकिन आपका कार्टिलेज नहीं है। अब कार्टिलेज जेन्युइन तरीके से पूरा करने का तरीका ये है कि 4 भिंडियाँ होती हैं, उसको आप बीच से कट करें, कट करके उसको सादे पानी में आप भिगो दें, सुबह वो सारा पानी लेश बन जाएगा।
अब बहुत से लोग उसको देख के थोड़ा वॉमिट जैसा फील करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। आप उसको थोड़ा सा पानी मिला के पतला करें, आधे कप से स्टार्ट करें। जिन लोगों को ये टोटका मालूम है वो 15 दिन करके छोड़ देते हैं। याद रखें इसका असर महीने बाद शुरू होता है। महीने बाद आप उसको शुरू करें, 2 से 3 महीने का इसका प्रोसेस होता है। आपकी बॉडी में थोड़ी सी चेंजेस हैं, तबीयत ठीक नहीं है, तो आप उसको अल्टरनेट डेज में भी ले सकते हैं। 3 महीने बाद आप कैल्शियम टेस्ट करवाएं, सिर्फ घुटना नहीं बल्कि आपकी सर से लेके पैर के नाखून तक हर चीज में खुद ब खुद कार्टिलेज पूरा होगा। अच्छा एक और बात भी आपके ऐड करूं, मैंने शुगर का भी मैंने होम रेमेडी में देखा था कि जिनका शुगर लेवल है तो उससे भी कहते हैं कंटिन्यू अगर इस्तेमाल करें उनका शुगर लेवल जो है बराबर हो जाता है। भिंडी से बहुत बहुत फायदा होता है। अच्छा इसके कुछ साइड इफेक्ट नहीं है? इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसे पर्सन जिनको ये यूज नहीं करनी चाहिए, बहुत से लोग हार्ट पेशेंट भी होते हैं, दूसरे मामला भी होते हैं, लेकिन आप उसमें अल्टरनेट डेज में ले सकते हैं, हफ्ते में 3 दफा ले सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में तो जब वो हार्ट वगैरह को भी असल में यहाँ के लोग ना लाइट ग़िज़ा के बहुत शौकीन हैं, तो वो थिकनेस की वजह से थोड़ा सा घबरा जाते हैं, दर्द बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन ये काम नहीं करेंगे। जब अच्छा उससे कोई देखिए मेडिसिन जब खाते हैं तो ऑफकोर्स उसका ये होता है कि जैसे गनोदगी आ गई या वीकनेस हो गई, लेकिन ये तो एक ऐसी चीज है जो अल्लाह की बनाई हुई चीज है। सब्जी और न्यूट्रिशन वैल्यूज भी इससे पूरी होती है, और कभी कभी हम लोग भिंडी को डिफरेंट स्टाइल में खाते भी हैं और इसे फ्राई करके खाए। वैसे भी आप इसको टेस्ट के तौर पर बहुत मजेदार है, और ये मैं आज नहीं, मैं तो इनके मतलब सुनती आ रही हूँ। इट्स मीन कि ये जो ये जो लेज है ना, हम लोग कहते हैं ना घुटनों की जो क्या कहते हैं आप लोग इसे कार्टिलेज कहते हैं हम लोग, तो ये इसको जो है ना लेस जो हमारे अंदर होता है इससे पूरा करते हैं। अच्छा जो हमारे रीढ़ की हड्डी में जो गैप होते हैं हम उसको किस तरीके से ये हो जाता है समझ, तो ये लोग जो है जो फिर भी जाके वो मशीनों में जाके बेचारे इतना कुछ एक्सपेंस लगाते हैं, तो इसे अपनी जगह लाने का क्या कैसा इसे कर सकते हैं पॉसिबल? इसमें सबसे पहले एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है रीढ़ की हड्डी, इसमें सबसे पहले आपको ये मालूम, हर एक बच्चे से लेके हर एक लेडी को हर एक जेंट्स को मालूम होना चाहिए कि हमारे जिस्म के अंदर रीढ़ की हड्डी में मोरे कितने हैं। इसको सादी जबान में मोरे कहते हैं। कोई कहता है 36 है, कोई कहता है 38 है, कोई कहता है 32 है, किसी को मालूम नहीं है। यहाँ तक के काफी डॉक्टर्स हैं, हर्बलिस्ट हैं, उनको भी मालूम नहीं है। 28 डिस्क सर्वाइकल C1 से लेके नीचे टेल बोन तक जहाँ हमारी स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है। अब उसमें गैप क्यों पैदा होता है ज्यादातर? कॉलर है हमारी इधर में। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो आय हाय डिस्कनेक्ट हो गई। फरहत भाई जी कंटिन्यू कीजिए, मैंने कहा आपके लिए कोई बेचारा कॉल कर रहा है, बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, उन लोगों का क्वेश्चन होगा ना। अच्छा सवाल शहजाद भाई ले लिया करें अगर फॉर एग्जांपल वो इतनी देर होल्ड ना हो पाए। ठीक है चले जी, बात मैं ये कर रहा था कि लोअर लंबर स्पाइन आपकी पूरी बॉडी का हेड ऑफिस है, ज्यादातर लोगों को इसमें तकलीफ होती है। अब तकलीफ का सबसे मेन मकसद ये है कि ऑफिस वर्क वालों को 42 मिनट्स की इजाजत है बैठने की। जी अक्सर किसी से आप पूछेंगे आपका क्या काम है, मेरा बैठने का काम है, 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे। वो बैठने की वजह से जो आपकी स्पाइनल में जो दबाव पड़ रहा होता है। ले लें कॉल जी। बिल्कुल बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम सलाम। वालेकुम सलाम जी भाई, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल किया आपने? मैं बशारत बात कर रहा हूँ बादराबाद से। सबसे पहले तो मैं सभी मैम आपको जो है मुबारकबाद देना चाहूंगा कि बड़ा ही जबरदस्त शो जो है सब चल रहा है आपका, मतलब कुछ अलग देखने को मिल रहा है। यूं तो और भी मॉर्निंग शो जो है मैंने कई चैनल्स पे देखे हैं, लेकिन आपका जो शो है वो रियली बहुत ज्यादा डिफरेंट है नॉर्मल मॉर्निंग शो से अगर मैं कंपेयर करूँ तो। सबसे पहले तो क्रेडिट आपको जाता है और डेफिनेटली आपकी पूरी टीम को जाता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी भाई। आप सवाल कुछ करना चाहेंगे? मेरा सवाल ये है कि मुझे ना माइनर स्कोलियोसिस जो है स्पाइनल कोर्ट के अंदर जो है ना कर्वेचर है, तो उसके हवाले से कुछ बताएं कि क्या इसको जो है सही किया जा सकता है, स्पाइनल कोर्ट को जो है स्ट्रेट किया जा सकता है, या इसका जो कर्वेचर है जो एंगल जो है बड़ा हुआ है उसको हम सिर्फ कंट्रोल में कर सकते हैं? ये मेरा सवाल था स्पाइनल कोर्ट के हवाले से, स्कोलियोसिस का इशू है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, मेरी ढेरों दुआएं मेरे प्यारे भाई, और सेहत जिसकी है उसकी जिंदगी सदा बहार है, और मेरी बहुत सारी दुआएं आप हमेशा सदा बहार मुस्कुराएं। जी भाई अब इनका जरा सा बताइएगा, जैसे भाई स्पाइनल का पूछ रहे थे, हम स्पाइनल की बात कर रहे थे, चले उन बेचारे, तो इसमें कुछ वर्डिंग ऐसी हैं जो हमारी भी समझ में नहीं आती। उसकी वजह ये है कि इसमें इंग्लिश हमने इतना इन्वॉल्व कर दिया है
कि जो ये बाहर की लैंग्वेज है इसको सादी जबान में हम मोरों का गैप होना कहते हैं। और ऐसा ही क्या, मैं तो कहती हूँ हमारी जितने खवातीन है घर में इस वक्त देख रही होंगी मर्द हजरात, तो हम आपको वो जबान बिल्कुल आसान जबान में जिससे आप समझ सके और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सिर्फ आपका मसला हल हो जाए ना, तो बस यही हमारे लिए जो है दुआएं दवाइयों से हम कोशिश करें आपको जरा सा क्योर करें। जी फरहत भाई, अब ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं इनको ये किसी ने बताया होगा इसलिए आगे हमसे सवाल पूछ रहे हैं। इनका सवाल अपनी जगह बिल्कुल जायज है, लेकिन इनकी पहले कंडीशन देखने पड़ेगी कि इनके पैरों में क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, घुटनों तक क्या आ रहे हैं, हैमस्ट्रिंग में क्या आ रहे हैं, हिप्स में क्या आ रहे हैं, उस हिसाब से हम इनकी पहले डाइट प्लान देखेंगे, इनके एंगल्स देखेंगे, उसके बाद जाकर हम इनको कोई तरीका बताएंगे कि आपने ऐसे करना है ऐसे करना है, और फिर जो भी प्रोसेस हमारा प्रोसीजर है उस हिसाब से हम इनको लेके चलेंगे। लेकिन उसके लिए इन्हें हमें टाइम देना पड़ेगा, विजिट करना पड़ेगा एक बार जी। इलाज एक बहुत बात की चीज़ है, लेकिन एक अच्छा मशवरा देना भी बहुत बड़ी अमानत में आता है, तो जहाँ तक मेरा कॉर्पोरेट है फर्ज है वो मैं इंशाल्लाह जरूर पूरा करूंगा। अच्छा, आप जब बात कह रहे थे तो एक कॉलर ने एक क्वेश्चन लिखवाया है कि अगर जब रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन होता है उसमें इंजेक्शन जब बंदे को लगाया जाता है तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं या उसकी रीजन क्या होती है। आई थिंक सो यही कहा था जी। इसमें कुछ दो किस्म के लोग हैं, एक तो वो हैं जो ऑपरेशन करवा चुके हैं और एक वो हैं जो एडमिट हैं या सोच रहे हैं ऑपरेशन करवाने का। मैं तो ये मशवरा देना चाहूंगा कि आप सारी जिंदगी तकलीफ बर्दाश्त करें लेकिन कमर का ऑपरेशन कभी भी ना करवाएं। अच्छा, मजे की बात बताऊं, सिर्फ इतना सा कट लगता है ऑपरेट में। हाँ, कोई डर वाली बात नहीं है जी। लेकिन वो आपको जो पैरालिजी की तरफ ले जाएगा ना वो कभी रिकवर नहीं हो सकता, कोई भी नहीं कर सकता। यानी कि रिस्क किया है, बहुत बड़ा रिस्क किया काम कर सकते हैं। अगर आपकी यानी कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन एक रिस्क किया काम हो गया, बहुत रिस्क किया, और उसमें जो इंजेक्ट वो जो सवाल जिसका लिखवाया गया है उसमें इंजेक्शन बेसिकली हम उसको स्टेरॉइड इंजेक्शन कहते हैं और नॉर्मल जबान में उसको हम जहर कहते हैं। अच्छा, तो कभी भी ऐसा काम नहीं करें, आपको गाइडलाइन अच्छी मिलना बहुत जरूरी है। नहीं है तो कोमे में भी जा सकते हैं, कुछ सारी जिंदगी पैरालाइज भी हो सकते हैं। आप बॉडी बिल्डर स्टेरॉइड यूज करते हैं, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है, आपने देखा होगा अक्सर के लिए। ना करें क्या होगा, तो बॉडी दिखाने से क्या आप लोगों ने एक अवार्ड लेने जब तक आपको अच्छी गाइडलाइन नहीं मिलती, आप फिजियो कराएं, बहुत अच्छी चीज है, किसी को पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब पे चेक करें, घर पे उसमें जो भी बेस्ट एक्सरसाइज आ रही है वो आप घर पे खुद करें। तो जब तक आपको गाइडलाइन ना मिले, अगर आप किसी अच्छे बंदे तक पहुंच जाते हैं या मुझ तक पहुंच जाते हैं तो फिर हम आपको बताएंगे कि आपने क्या करना है। अब पेशेंट कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें इलाज बाद में करवाना है, पहले आप बताएं हम घर बैठ के क्या करें। याद रखें 50% पेशेंट अपने आप को पहले खुद ठीक करता है एहतियात से। हदीस में लिखा है कि इलाज से एहतियात बेहतर है, हर चीज लिखी हुई है, सिर्फ पढ़ना है और थोड़ा सा समझना है। और जो लोग टाइम नहीं देते उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको टाइम दें अपने पेशेंट को। शिफा का काम अल्लाह का है, खुद ब खुद शिफा होगी, मट्टी में भी शिफा है, लेकिन आप एक बार वक्त तो देके देखें। तो पूरा दिन मेरा इसमें गुजर जाता है, सब यही के टाइम नहीं है। अच्छा, टाइम नहीं, बिल्कुल इसी तरह हम लोग वाकई में जब भी अगर किसी से कह दो ना कि तबीयत की उतनी खराब है। हमारे दरमियान कॉलर है, हेलो हेलो, जी सलाम, वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल की? लिफ्टन से कॉल कर रही, मेरा नाम है मलिका। कहाँ से कॉल की? लिफ्टन, क्लिफ्टन से। जी मलिका, क्या पूछना है? डॉक्टर फरहाद मौजूद हैं। मुझे ये पूछना है कि ये जो एक साइटिका का पेन होता है ना एक तरफ का, जी जी, पाँव से उनका मुझे लास्ट लीव बात करनी। अच्छा, आपकी क्या एज है? चले मैं इनसे पूछती हूँ, चलिए डॉक्टर साहब बताइएगा। मेरे जहन में सर दो तीन, अच्छा 60 साल है, वो जरा पूछ लेंगे तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बताएंगे। मलिका बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा, कहाँ बैठते हैं? मुझे हाँ हाँ बिल्कुल बताते, बिल्कुल अभी मेरे प्यारा भाई बताएगा आपको। ठीक है जी, ये शटिका पेन का क्या बताएं? शटिका वही इंग्लिश वर्ड आ गया दोबारा, इसे अर्कुन्निसा कहते हैं, आधे से ज्यादा आपको जानती हैं। तो अर्कुन्निसा बेसिकली जब कोई कहता है आपको अर्कुन्निसा हो गया तो कहते हैं फॉरन कट लगवा के ब्लड निकलवा ले। मैं तो इस चीज के प्रेफर में नहीं हूँ। शटिका का ताल्लुक होता है आपके L4-L5 से, जिसमें दो इंच के फासला होता है। ये मेरी बहन को जवाब दें ताकि मेरी प्यारी बहन को समझ जिसमें दो इंच का फासला होता है। हाँ। जब आपके मोरे में गैप आ जाएगा तो आपकी दो इंच के फासले से वो आपकी नर्व को पिंच कर देगा, जिसको शैटिका कहते हैं। सीधा आपके पैर के काफ से लेके आपकी हील तक जाएगा। उसमें बॉडी सिम्टम्स होते हैं, सबके मोरे नसें एक जैसी होती है लेकिन सबका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो उसको दर्द उस हिसाब से आता है।
शैटिका एहतियात करके आप बेहतर कर सकते हैं शैटिका को, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोसेस में आना पड़ेगा, प्रोसीजर में आना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको एड्रेस बता दूंगा, मेरा नंबर चल रहा होगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं इंशाल्लाह जितना मुझसे होगा मैं आपको टाइम दूंगा। जी बिल्कुल। और अच्छा, शटिका या अर्कुन निसा और इस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम। अच्छा, मुझे भी एक प्रॉब्लम है, बताएं। अच्छा, सर गोदा से कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई हाय, ड्रॉप हो गई। शहजाद भाई जरा पकड़ के रखा करे कॉलर्स को ना, कहाँ चले जाते बेचारे। जब वो भी बजती है ना एंड में टून, मेरा बड़ा दिल उदास हो जाता है। पता नहीं कि आप असल में गुफ्तगू कर रहे थे ना, तो इंटरप्ट नहीं किया। मुझे है पर्सनल प्रॉब्लम, जाहिर सी बात है, और मेरी दोस्तों को भी है। ये हम लोग जरा सा, जाहिर सी बात है, शादियों में जाते हैं, हील पहन लेते हैं शादी में, शशके भी तो मारने, उसके बाद जो हमारी एड़ियों में दर्द होता है। मेरा सवाल बाद में हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे भाई, नाम बताए और कहाँ से कॉल किया आपने? जी, खेत अशरफ बोल रहा हूँ। पहले तो पूरे सरगोधा यूनियन, अपना यूनियन का मैं सदर हूँ और सरगोधा में रहता हूँ। टहलों का शहर सरगोधा की तरफ से आपको सबको सलाम, और बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका चल रहा है। थोड़ी तबियत खुश हो गया देख के ना, जी मुझे थोड़ा सा पूछना था। मुझे ना शुगर का मसला रहता है, तो मुझे कोई ऐसे दवाइयों से पूछना डॉक्टर साहब से कि ये दवाइयाँ खानी चाहिए कि नहीं, शुगर वाली कोई मसला अगर बने ना, अगर और मैदा वगैरह ना खराब हो जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल मेरे प्यारे, मैं दवाई लेता हूँ, बहुत परेशान हूँ। अल्लाह, क्या उम्र है मेरे प्यारे भाई की? बहुत शुक्रिया अल्लाह आई अल्लाह, चलो कोई बात नहीं। और आपने मेरे, आप यूनियन के सदर है, क्या एक्टिविटी करते हैं, क्या पॉजिटिविटी करते हैं, मुझे ये भी बताते हैं। और मेरे मॉर्निंग शो में भी आए। मैं चाहती हूँ कि कुछ अगर ऐसे लोग हैं जो लोगों के लिए फलाही काम करते हैं तो वो मेरे शो में आए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। मेरे प्यारे भाई ने उम्र नहीं बताई, लेकिन बहुत सारे लोग शुगर की दवाई जो खाते तो है अंदर से डरे हुए। शुगर की अच्छा, इसका सवाल का जवाब इनको बोलना नहीं है, हमारे भाई को। एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सभी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है, कहाँ से? जी हमेरा बात करी सहीवाल से, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम सहीवाल वाले, खुश रहो, आबाद रहो, मेरा वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा शो कर रही है और बहुत अच्छा आप कर रही है, कॉलर को चांस दे रही है इंटरेक्शन का। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों के लिए। मैं आपसे डॉक्टर साहब से एक सवाल करूंगी और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगी। पहले मेरे डॉक्टर साहब से एक सवाल है जी। कि मेरे घुटनों पे ना टीन एज से, तकरीबन जब मैं टीन एजर थी तब से मेरे घुटनों में दर्द होती है, जैसे चलते चलते बल आ जाता है। और फिर वो दो तीन दिन तक बैंड भी बांध के रखो, तेल भी मल लो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता चार पांच दिन लग जाते हैं उसको जाते जाते, उस पेन को। और ये पता करना है कि ये किस वजह से होता है, कि जैसे बिल्कुल मतलब जैसे कड़च कड़च की आवाजें भी आ रही होती है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल। वो मेरा कहाँ से? दूसरा आपसे सभी एक रिक्वेस्ट थी कि आप अली मोहम्मद साहब एस्ट्रोलॉजर को अपने शो में जरूर मदद कीजिएगा। डन है, डन है, आप नंबर लिखवा दें, ठीक है, MCR में नंबर लिखवा दो मेरा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, इन्होंने वाकई में ऐसा होता है कुछ, जब कभी कभी घुटने को चकर उसमें से एक अजीब सा साउंड आता है जी। कड़च कड़च, इसने अपनी अपने हमारे सीधे साधे लोग असि इंज की गल कर रहे हैं, तो कड़च कड़च होता है, ये कोई बात नहीं। अब बताइए आप मुझे, पहले तो ये पहले वाले आंसर के दे दे, पर जिन्होंने सर सरगोधा से कॉल की थी, शुगर वाले भाई। शुगर की सिर्फ दो चीजें मैं कहना चाहूंगा, हालांकि मेरी फील्ड नहीं है शुगर की, लेकिन मैं इन चीजों को जानता हूँ तो मैं बेहतरीन मशवरा जरूर दे सकता हूँ। शुगर के लिए सारी जिंदगी के लिए, जब तक जान है, आप एक पेप्सी छोड़ दें और एक चाय छोड़ दें, खुद ब खुद शुगर आपकी बॉर्डर लाइन से नीचे आ जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस जी, सुन रहे हैं मेरी टीम के अंदर जो लोग शुगर पेशेंट हैं और मेरी बहुत अच्छी तरह सुन रहे होंगे कौन है जी इस वक्त। मैं चाह रही हूँ कि प्लीज सुन लें कि आपने अभी चाय नहीं बिल्कुल पीनी और मीठा भी जरा सा, अगर सेहत चाहिए तो चाय और पेप्सी कोल्ड ड्रिंक्स जो भी है सब अवॉइड करें, ठीक है। आपको विद इन अ मंथ या 15 डेज में खुद रिजल्ट। भिंडी का पानी जो आपने बताया ना, वो भी बहुत अच्छा है, उसको साथ कंटिन्यू करें, बहुत ही अच्छा है। मेरे भाई अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले बताया था, बहुत अच्छी, जिनकी जो है ना घुटनों में दर्द होता है या हड्डियों में, तो वो जो भिंडी का पानी, तीन भिंडी आप उसको ऐसे बीच में से चीरा लगाए, उसको एक ग्लास पानी में रात को रख दे और ढाप के रखेगा, ठीक है, सुबह निहार मुंह,
भिंडी छोड़ दी, सिर्फ उसका पानी जो है उसका कोई टेस्ट नहीं होगा। वो जो सरगोधा से मेरे भाई ने कर, यकीन करें आपकी हड्डियों में भी दर्द खत्म हो जाएगा जो इन्होंने बताया है बकौल इनके, और आपका कैल्स जो शुगर लेवल है वो इक्वल रहेगा। लेकिन जो दो चीज़ें हैं उसको जरा सा अवॉइड करें। ऑफकोर्स आप तो मीटिंग्स में जाते होंगे, पैर के साथ चाय पियो आ जाओ, ऐसा ही अच्छा ऐसा ही पंजाब जिंदाबाद। अच्छा जी, दूसरा सवाल मेरी बहन ने किया शुगर में, मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। दो तीन दिन पहले मेरा एक पेशेंट का चेकअप था नीज के हवाले से, तो मेरे दोस्त भी है, मैं उनको चेक कर रहा था, तो काफी बेहतरी थी माशाल्लाह। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे शुगर है। मैंने कहा कब से? बोला मुझे तकरीबन 20-25 साल से, और उनकी उम्र मेरा ख्याल है 55 या 60 उम्र होगी उनकी। आप यकीन करें कि बोला आज तक मैंने कोई टेबलेट नहीं ली। मैंने कहा कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? बोला विद डाइट। आप डाइट करें, सबसे पहले आपका वेट कम होगा, इंटरनली विल पावर शुगर खत्म कर देती है, वो बूस्ट होना शुरू होगा, और फिर देसी चीजों में छोटे छोटे टोटके करते रहें, आपको खुद ब खुद फर्क आना शुरू हो जाएगा। ओके, अच्छा ये जो इन्होंने, अच्छा अगर इन्होंने उमेरा ने शुरू से स्टार्ट में प्रोग्राम देखा है, तो वो जो आपने घुटनों का बताया नहीं था उनके लिए बहुत अच्छा, उनको 15-20 दिन में ही फर्क आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर चावल छोड़ेंगे तो चावल नहीं छोड़ेंगे ना फरहत भाई, चावल कैसे छोड़ सकता है हर बंदा? लेकिन हमेशा के लिए नहीं ना, दौरान इलाज छोड़ें उसका कोई तरीका। देखिए कुछ ब्राउन राइस आ जाए, और अब यूं भी कह सकते हैं जब चावल की पिच निकल जाती है, जब बॉइल होते हैं तो आप उसकी पिच निकाल दें, वो दिल की तसल्ली के लिए। अब आप तरीका पूछ रही है तो चले मैं तरीका बता देता हूँ, बहुत से लोग इंतजार में हैं। इनको बताएं ना, मैंने कहा हमारे मेमन भाई और बोरी जो लोग हैं कम्युनिटी के, उनमें ये मर्ज ज्यादा पाया जाता है कि वो चावल बहुत ज्यादा खाते हैं। अक्सर ज्यादातर लोग में यही बंगाली में बहुत खा रहे हैं दाल चावल मोस्टली चावल, लेकिन यहाँ कम है ना वो बांग्लादेश में ज्यादा। अरे तो हमारे मुल्क में भी तो बहुत खाते हैं, शादियों में चावल ही तो खाए जाते हैं, लेकिन मछली भी खाते हैं तो वो थोड़ा। अरे सी फूड ऐड कर लेना, चले लेट्स सी। इसमें ये है कि चावलों का तोड़ मैं आपको बताना चाहूंगा जो लोग नहीं छोड़ सकते। सूखा खोपरा होता है, ओके, चावल खाने के बाद आपने सूखा खोपरा 1 टीस्पून के जरिए उसको लेना है और अच्छी तरह चबा के इनहेल करना है उसको, अंदर उसको लेना है आपने। आपकी बॉडी में जितना बादीपन स्टार्ट होता है बनना, जो आपके पट्ठों के लिए मुफीद नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगा। ये चीज मैंने दुबई में देखी थी। अक्सर अरबी खाना खाने के बाद सौंफ खाते हैं, थोड़ा सा गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा फिट है, और उनका लाइफ स्टाइल हमसे बहुत ज्यादा फास्ट है। बहुत से लोग वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी फिट क्यों है? क्योंकि वॉक बहुत ज्यादा करते हैं। यहाँ के लोग बैठना, लेट उठना, लेट सोना, डाइट प्लान नहीं है, रात को 4 बजे भी खा लिया, सुबह 12 बजे भी कुछ ना खाया, पूरा दिन एक पापे से गुजारा करते हैं कि हम मोटे ना हो जाएं। ऐसी चीज़ें कभी वेट नहीं बढ़ाती। आपका जो डाइट प्लान अगर गलत तरीके से चलेगा तो वो वेट बढ़ाएगा आपका, जो कि कमजोरी होगी, वो आपके अंदर ताकत नहीं पैदा करेगा। अच्छा, मैं ये बात बहुत अच्छी इन्होंने कही है, और मैं इतने गौर से इसीलिए सुन रही थी, और इन्होंने ही कहा था कि देखिए सुबह, इट्स मीन इन्होंने भी कहा और बहुत सारे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जब देखिए सुबह जब अर्ली इन द मॉर्निंग उठते ना, तो आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिक भूख लगने लगती है, और आपका मैदे का मुँह खुलने लगता है, लाइक वो आपसे मांग रहा होता है कि मुझे भूख लगे। उस वक्त आप उसको कुछ ऐसा प्रोडक्ट दें जो, अब अल्लाह पाक ने तो इतनी सारी नेमतें बनाई है। मैं गई थी ना हुंजा कागा नारायण घूमने, तो वो लोबिया और इन गंदुम को बॉईल किया हुआ, उसमें हल्का सा उन्होंने नींबू डाला, इतने मजे का लग रहा था। सुबह आप जो चीज खाएंगे वो आपके जाके बॉडी को थका करके लगेगी। आप उसके बाद आप उसके अंदर कुछ भी तो नट्स भी यूज कर सकते हैं, लाइक जैसे इन्होंने कहा खोपरा है, खजूर, यकीन करें कुछ भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, और सुन्नत है तिब्बे नबवी में खजूर। आप अपने आप को भी वो करें और अपने बच्चों को भी आदि बनाएं। टेबल पे हमेशा किचन काउंटर या टेबल आपका डाइनिंग टेबल है, जैसे आप जहाँ खाना रेगुलर खाते वो एक बॉटल रखें, और रेगुलर बच्चों को कहें आप प्लीज खजूरें खाएं, ये आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपके जिस्म में कैल्शियम, उसके अंदर तो बहुत ज्यादा गजाइयत है। क्यों सारे विटामिंस खजूर में, कसम खुदा किसी चीज की जरूरत नहीं। तो खाने के बाद गुड़ सस्ता है, कुछ चीनी तो वैसे ही आपके जिस्म को केमिकल्स होती है। अब ब्राउन शुगर एंड गुड़ का मेरे घर में तो यही आता है, मैं ऐसा नहीं कि मैंने तोड़ बता दिया तो अब सब चावल पे। अच्छा चावल आप तो खा सकते हैं, सही का खोपरा, या आप इजीएस्ट जो आपने कहा कच्चा नारियल, कुछ लोग चबा नहीं सकेंगे तो उनके लिए जैसे जिनके दांत बिल्कुल बारीक पाउडर बना ले, थोड़े से पानी के साथ ले। इस्बगोल कैसा होता है?
बिल्कुल उसी पानी की तरह आप उसको ले लेते हैं, इस तरह आप खोपरे को भी ले सकते हैं, वो बहुत इजी है, इजीएस्ट कर दिया ना आपने, लेकिन चबा के खाएंगे तो और अच्छा। आपके साथ खोपरा आपको बहुत इजीएस्ट मिल जाएगा और बहुत सस्ता है सर, 20 रुपए में भी लेंगे तो पिसा हुआ खोपरा मिल जाएगा, लेकिन कम से कम आपका शुगर लेवल या जिसमें मैं बादी हूँ ना, ये एक मेरे लिए भी नॉलेज में मेरा इजाफा हुआ है। इसमें मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ दोस्तों को कि अक्सर लोग घर पे ऑयलिंग करने के बहुत शौकीन होते हैं, उसमें ज्यादातर ऑलिव ऑयल यूज किया जाता है, बहुत अच्छी चीज है, कुरान में जिक्र है जैतून का, उसमें बहुत शिफा है। लेकिन मेरी रिसर्च अभी चल रही थी तो उसमें मेरे पास एक ऑयल आया है जो ईरान और तुर्की की जड़ी बूटियों से बना हुआ है, उसको पहले मैंने चेक किया। ओके। जब उसको चेक किया है कि वो आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक मुफीद है, 101 बीमारियों का इलाज है उस ऑयल में। ओके। वो मेरे पास खुद मौजूद है और मेरे आधे से ज्यादा पेशेंट उसे यूज करते हैं। उसे इंटेक करना, लगाने का नहीं, उसे अप्लाई करना है, आपने एक्सटर्नली अप्लाई करना। अच्छा। रोजाना रात को तलवों के नीचे आपने 5 मिनट तक उसको मुतासर जगह पे अच्छी तरह लगाना है, मैं कहता हूँ हार्ट तक का भी फर्क पड़ता है उसमें। अच्छा, कौन कौन सी बीमारियां, 101 बीमारियां यानी कि जिस्म की किस किस, उसमें बाल भी हैं, कान भी हैं, पेट भी है, वजन भी है, तलवों पे लगाने, तलवों पे लगाएं, सब कनेक्शन यहाँ पे और यहाँ पे। अच्छा। आपको खुद ब खुद बीच की बॉडी में फर्क आना शुरू हो जाएगा। बेहतरीन यार। आप जैसे कोई भी अगर रास्ता बनाते हैं या मोटरवे बनाते हैं तो पहले स्टार्ट और एंड को देखते हैं, सेंटर खुद ब खुद आता है, प्रेशर पॉइंट होते हैं, वो ये प्रेशर पॉइंट से बहुत बारीक। लेकिन अब जाहिर है वक्त हमारे पास कम होता है, हम हर चीज बता नहीं सकते, इसके लिए आप टाइम दें, आपको ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे हम कि आप याद करेंगे। आपने बहुत अच्छा था, खुद ही मुझे बोले टाइम नहीं, और मेरे पास जो भी टाइम, आपका सेगमेंट का टाइम, मैं पेशेंट्स को टाइम देने के लिए तैयार हूं हर वक्त। लेकिन हमारे प्रोग्राम का टाइम नहीं खत्म हुआ है, लेकिन मेरे फरहाद भाई हेल्थ सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है मेरे भाई आपका? गुजरावाला से अहमद, वेलकम, कैसा है गुजरावाला? बहुत मॉडिफाई हो गया। टीवी की तरफ तवज्जो ना। अच्छा, तो टीवी की तरफ तवज्जो ना दें जी, सवाल कीजिए। अच्छा, टीवी की आवाज बंद करें, आप तवज्जो टीवी पे देंगे तो मुझसे बात नहीं हो पाएगी, फिर कॉल हो जाएगी ड्रॉप जी। मुझे ना कड़ल पड़ जाते हैं गर्दन पे और पैर का मतलब। क्या पड़ जाते? क्रैम्स, क्रैम्स। चलो समझ, डॉक्टर साहब समझ गए। अच्छा जी, और बस यही है प्रॉब्लम? चलो जी, जरा सबर कर जाओ, असि हूं ही तुहानू जवाब देंगे, मेनू इन्नी पंजाबी आंदी है, इन्नी बर्दाश्त कर लो। थैंक्स फॉर कॉलिंग गुजरावाला से, और सदा आबाद रहे गुजरावाला, पूरा पाकिस्तान। जी सर, इनको क्रैम्स पड़ते हैं, मैं समझ गया था, तो बड़े स्टाइलिश बड़ा बोले उन्होंने, अच्छा लगा। अच्छा, क्रैम्स कभी भी बोन्स में नहीं पड़ते, हड्डियों में क्रैम्स नहीं पड़ते। ओके। क्रैम्स पड़ते हैं नसों में या पट्ठों में। ठीक हो गया। अच्छा, ये कभी मुझे भी पड़ जाते हैं। अच्छा, मतलब यूं हो जाता है, ऐसे कर जाते हैं थोड़ा। आपके लिए तो स्पेशल इलाज है हमारे पास, एनी टाइम आपको गिनने की मशीन में डाल के। तो इसमें इसलिए पढ़ रहे हैं, अब ये कह रहे हैं मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, इनको वाकई बहुत फर्क पड़ता होगा। ओके। लेकिन तब तक जब तक उसका वार्म अप रहता होगा या असर रहता होगा, जब तक जिस्म गर्म है ठीक रहेंगे। अच्छा, ठीक। सुबह सो के उठेंगे इनको दोबारा क्रैम्प्स पड़ेंगे। उसकी वजह ये है कि इनके मसल्स और पट्ठों के अंदर न्यूरॉन होते हैं। ओके। न्यूरॉन की कमी हो जाती है, आबो हवा ठीक नहीं है, खुराक ठीक नहीं है। अब वो न्यूरॉन कैसे पूरा करना है, उसके लिए मेडिकली इंजेक्शन कोर्स आते हैं जो कहते हैं यूज करना चाहिए, आपको अच्छे से अच्छा जनरल फिजिशियन भी बताएगा। कोबाल्मिन, मेथिकोबॉल और नैरोबियन। अब नैरोबियन मेड इन जर्मनी है, लोग ज्यादा उसको लगाते हैं, लेकिन वो वहां के एटमॉस्फेयर के हिसाब से बना हुआ है, हमारे लिए नहीं है। ओके। तो ज्यादातर लोगों के लिए नैरोबियन नहीं है, आप लोग सब वो यूज करते हैं, वो आपको नुकसान देता है। मेथिकोबॉल, मेथिकोबॉल और क्यूबॉलमिन, वो पाकिस्तान मेड है, सस्ता भी है, आप उसको लगाएं, नॉर्मल इंटरमस्कुलर लगता है वो, उसका 10-15 इंजेक्शन का कोर्स होता है, आपका विल पावर बूस्ट करेगा और आपके मसल्स की जब फ्लेक्सिबिलिटी आएगी आपको खुद ब खुद फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। अगर उसके बावजूद फर्क नहीं पड़ता तो उसके लिए हमारे पास इलाज है, तो वो कभी भी मुझसे कॉन्टेक्ट होगा तो मैं इनको जरूर बताऊंगा। बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग फिनर शो। और वो मशीन का जो मैंने कहा ना गन्ने की, वो मैंने अपने लिए कहा था, मैंने नाज़रीन को तो बहुत प्यारे से, वो मैंने अपने लिए कहा था, जब इन्होंने कहा था मैंने कहा मुझे गन्ने की मशीन से निकालना पड़ेगा। चलिए जी, एल सेगमेंट यहाँ पर हुआ इख्तिताम, लेकिन अभी कहीं नहीं जाना क्योंकि अभी कुकिंग सेगमेंट है और मेरी प्यारी प्यारी बहनों का है ब्यूटी सेगमेंट, और वो ब्यूटी सेगमेंट को वो वाला नहीं है, ये सीखने का सिखाने का है, ताकि हमारी ब्यूटिशियन जो एक एक रूम में अपना सैलून रन कर रही है, कुछ
कुछ सीखे ताकि उनके बिजनेस में इजाफा हो। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन। और हर बात में जो है एक बात होती है, वो क्या है कि मेरे मॉर्निंग शो को जो भी देखता है इंशाल्लाह वो खुश होगा क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों के लिए किया जा रहा है। और ये गुड मॉर्निंग विद सभी का किचन भी उन लोगों के लिए जो आना चाहते हैं इस मॉर्निंग शो में, न्यू टैलेंट प्रमोशनल। लाइक यहाँ पर इस वक्त अदीम शेफ मौजूद है माशाल्लाह। कौन से आप रेस्टोरेंट में होते हो? मैं फायर फ्लेवर में होता हूँ, एयरपोर्ट के सामने है ये। इकरा यूनिवर्सिटी के अपोजिट साइड। अरे जिनसे मिलने के लिए जाना चाहे तो इनके खाने को टेस्ट करना चाहे तो बिल्कुल आप मिल सकते। इस तरह हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी टैलेंटेड बच्चियां हैं, शेफ हैं और ऑनलाइन जो बिजनेस कर रही है वो भी इस शो में आ सकती है। आप हमारे साथ सिर्फ दूरी है क्या, वो है ये कॉन्टेक्ट नंबर 03-444-206-9902 पे। हम चाहते हैं हमारे पाकिस्तान में जो बच्चियां हैं, बच्चे हैं, जो आगे काम करें, यूथ है, एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, कुछ भी है रेलिवेंट टू अगर किचन के सेगमेंट में आना चाहते हैं देन आप हमें गुड मॉर्निंग विद सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी हर बात में एक ऐसा मैसेज होता है जिससे और लोगों को बेनिफिट हो, ये है हमारा मोटिव और यही हमारी कॉज है, यही हमारा एम्बिशन है और यही हमारा मकसद है। और जी इस वक्त क्या बनेगा मेरा, अब जो है मेरा प्यारा भाई बताएगा कढ़ाई का नाम और इंग्रेडिएंट्स। आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई बना रहे हैं, जैसे हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह में कढ़ाई बनाते हैं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं लोहे की कढ़ाई है, ये इस्तेमाल की जाती है, सर्दी भी सीमी की जाती है। और फिर उसके बाद हम आपको बता देंगे क्या क्या हम डाल रहे हैं इसके अंदर। ये 750 ग्राम हमने चिकन ली हुई है, उसके बाद हमने ये 500 ग्राम टोमेटोज लिए हुए, ठीक है। फिर उसके बाद ये सॉल्ट आ गया, ये गार्निशिंग का आ गया, ये लेमन आ गया, ये ग्रीन चिली, ब्लैक पेपर, योगर्ट, इसके बाद ये मेथी आ गई, ये गार्लिक चॉप और दोनों चीज है, लहसुन आ गई, ठीक है। ये अपना कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई बना, रेस्टोरेंट कढ़ाई है। मैं अगेन बता रही हूँ इसमें डलेगा क्या क्या, क्योंकि मेरे क्योंकि जो होता है न्यू और उनको जरा सा बताने बहुत जल्दी जल्दी, पता नहीं इनको क्या जल्दी है, मुझे नहीं मालूम कहीं जाना है। अदीब मेरे शहजादा, अब देखो कितनी केजी है चिकन? 750। ये 750 क्योंकि जो वहाँ देख रहे हैं ऑफ कोर्स वो रेस्टोरेंट कढ़ाई खाने के होते हैं, शौकीन भी होते हैं, ठीक है। ये है, हम इसे आधा किलो भी कह सकते हैं, इसको आधा किलो नहीं कहेंगे, थोड़े से कम, तीन पाव। अच्छा जी ओके, इसे हम 3 पाव आपने चिकन ले ली, उसके छोटे छोटे पीसेस भी दिखा देती हूँ लाइक इस तरह, ठीक है, ताकि जल्दी आपको बन भी जाए, ठीक है। अब इसमें डलेगा दही, ठीक है मेरे भाई, और देन चॉप किया हुआ अदरक एंड लहसुन, ऐसा ही है, ओके। और ये क्या है? ये मेथी है। अरे हमारे पास, मुझे याद आ गया, मेथी जो है वो बहुत फायदेमंद है। अच्छा ये है काली मिर्च है, ठीक है, और ये हरी मिर्च कटी हुई बिल्कुल चॉप की हुई, एंड सूखा धनिया साबुत, ये धनिया और जीरा भुना हुआ है कुटा हुआ, खुशबू कितनी गजब है। वैसे हल्का सा तवे पे आप ब्राउन कर लेंगे ना तो देन क्या होगा कि उसके बाद आप उसको जरा सा क्रश करेंगे लंगरी में और इमाम दस्ते में, मशीन ना यूज कीजिएगा प्लीज। ये है पिसी हुई हल्दी, गुड है, और ये है हमारे पास पीसी हुई मिर्च, जो टेस्ट के मुताबिक आप यूज कर सकते हैं, कुटी हुई मिर्च। मुझे जरा सा स्पाइस पसंद है तो मेरे भाई ने और मजीद इसमें। चलो वी विल स्टार्ट, हमने सबसे पहले क्या करना है, चिकन को फ्राई करेंगे हम लोग पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये डाल दिया हमने कलपल 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 चिरपर चिरपर में डाल दिया हमने, यस, उसको बाउल को साइड रखने कोई मसला नहीं होगा। वाओ ये स्टाइल वाकई में रेस्टोरेंट, और हमारे जो है इसको जरा फ्लेम में हमें जरा तेज कर लें हम, ओके। और माशाल्लाह एक्सपर्ट हो गए हम, हमारे हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी की किचन में कि जो फ्लेम से भी एक्सपर्ट हो गए, जबरदस्त। अच्छा इसको हमने क्या कर दी, मैक्सिमम अभी हम इसको फ्राई करेंगे, उसको हम 50% तक उसको सी में फ्राई कर लेंगे। अच्छा उसके बाद इसमें से ऑयल निकालने के बाद हम इसके अंदर टमाटर ग्रीन चिली डाल करके टमाटर गलने तक का इंतजार करेंगे। अच्छा, कि जिस भी जैसे अभी हमारे कराची में भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में आप जाओ, जैसे शाही शनवारी, बड़े शौक से लोग जाते हैं फैमिली के साथ,
और वहाँ वहाँ तख्त पर बैठे होते हैं। इस तरह लाहौर में भी है, सहीवाल में, गुजरावाली सब जगह पर जो है ना वो जाते हैं और लोग वहाँ पर जो है जी लाओ जी बट जी कढ़ाई ले आओ जी ये ले आओ और मैंने खाई भी है बड़ा। और चौबर जी मैं घूमी हूँ बड़ी जबरदस्त, शाही मस्जिद भी घूमी हूँ और अभी काफी पुराना हो गया मतलब इसमें मुझे विजिट किए हुए तो कुछ चीजें भूल भी रही हूँ, लेकिन बड़ा मजा आया था मुझे वहाँ बड़ा है। वहाँ पे एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, बस सफाई बहुत है अदीम, ये एक मैंने क्लिनिक देखी वहाँ पर। और अल्लाह पाक आप लोगों को वहाँ पर जो है जिस तरह आप लोग रह रहे हैं खुश खुरम रहे और हमारे पाकिस्तान को साफ सुथरा रखे। अच्छा इसको मैक्सिमम कितनी देर लगेगी? इसको 3 से 4 मिनट फ्लाई में हो जाएगा ये। अच्छा 3 से 4 मिनट? 3 से 4 मिनट में फ्राई हो जाएगा। अच्छा इसकी इसका फ्लेम हाई रहेगा, ये इसका लो नहीं करना। अच्छा ये हाई फ्लेम, अभी हाई फ्लेम पे कुक होता रहेगा ये। इसका पानी आपने वो करना होगा ना ड्राई करने के लिए। अभी जैसे हम ऑयल निकाल देंगे इसके अंदर दही डालेंगे जब हम, ठीक है, दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा तब तक हमारा टमाटर भी गल चुका होगा इसके अंदर। अच्छा ठीक है। रेस्टोरेंट कढ़ाई खाने के लिए जब आप जाते हैं आप मना नहीं है चले जाए कभी कभी तो उनको भी, आखिर उन्होंने भी अपना बिजनेस शुरू किया हुआ, लेकिन मेजोरिटी अगर आपके घर में फैमिली जाती है तो आप रेस्टोरेंट कढ़ाई आपके दोस्त आ जाए अल्लाह गुल्ला है मौज मस्तियाँ है जी, हो जाए घर में ही कढ़ाई और मिलके आप बनाएं। अच्छा जब तक ये इसको मैक्सिमम थोड़ा टाइमिंग में आपसे थोड़ा सा टाइम ले लूं जी, जी। जाना कहीं नहीं है, नहीं, नहीं। मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा, 2 मिनट क्योंकि मैंने मेरे जो व्यूवर्स है ना वहाँ पर बैठे हुए तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो उनको भी कुछ इनके ये गिफ्ट है सरप्राइज है और आपने भी लेना ये गिफ्ट इंशाल्लाह। आप नहीं चाहते आपको एक बाइक मिल जाए? ये जा रहा है दीन टक 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 टक। चलिए जी हम आ जाते हैं यहाँ पर और हमारे साथ जो नाजीन है जी ये है फाइजा ब्यूटी क्रीम की जानिब से सरप्राइज। और वो सरप्राइज आपको मैं वैसे इंट्रो में भी बता चुकी हूँ लेकिन मुझे बहुत सारी कॉल्स आई हैं तो मैंने चाहा आप लोग इससे, क्योंकि मैं आप लोगों का सोचती हूँ तो मैं चाहती हूँ आपसे इससे ज्यादा फायदा हो जाए। और फायदा ये है कि 1000 का ये बैग ले, बैग में बहुत सारे गिफ्ट उनकी प्रोडक्ट, सॉरी बैग में बहुत सारे प्रोडक्ट, हेयर कलर भी है, अर्जेंट पार्सल भी है और फाइजा ब्यूटी क्रीम 22-31 नंबर इसके अंदर मौजूद है और बहुत सारे इसके अंदर प्रोडक्ट हैं जो आप 1000 में ये बैग खरीदेंगे आपको मिलेगा एक कूपन, एक कूपन आपने रखना है, एक कूपन हमारे पास होगा वो हम जाएंगे लकी ड्रॉ बॉक्स में। एवरी मंथ जो है हम एक करें एग्जीबिशन, ठीक है, और एग्जीबिशन में हम वहां पर लाइव लकी ड्रॉ करेंगे जिसमें आप विन कर सकते हैं ये सारे गिफ्ट जो मैं सॉरी इनके आगे खड़ी हो गई हूँ, ये सारे गिफ्ट जो है इस वक्त मौजूद हैं जिसमें एयरप्लेन का टिकट भी है आप उमरा कर सकते हैं और बाय एयर, और इसके अलावा हमारे पास गाड़ी बाइक और जो है LCD और बहुत सारे ढेरों इनामात आपके बच्चों की बाइसाइकिल्स और बहुत कुछ, और ये सब वहां पर होगा लाइव लकी ड्रॉ होगा। आप अपने कूपन के साथ उस एग्जीबिशन का हिस्सा बनिएगा और वहां पर होगा गेम शो जिस गेम में आप जीत सकते हैं विन कर सकते हैं तो लकी ड्रॉ भी होगा और इसके अलावा वहां पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके पास वो कूपन होगा हम उनको गेम शो का भी हिस्सा बनाएंगे उसमें हो सकता है और डबल इनाम निकला है। कैसा है फाइजा ब्यूटी क्रीम के लिए ब्रदर्स का है ना जबरदस्त सरप्राइज, तो ज्वाइन करें 03442069902 पर। और जो इस एग्जीबिशन का भी हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो वो भी एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स हो या स्किल्स हो यूथ हो वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चले जी हम चले फिर किचन की तरफ, लेट्स सी। हाँ जी अदीम, और अदीम ने क्विक काम किया और कितना निकाल लिया, थोड़ा ऑयल निकाल लिया, इन्होंने ऑयल निकाल लिया है, गुड बहुत अच्छा किया और काफी हद तक जो है वो अच्छे कितना प्यारा लग रहा है और फ्लेम इसकी इतनी और हो सकती पास नहीं इसे और नहीं हो सकती। ओके ठीक है ये ओके ओके। और जी नाजीन इस वक्त हमारे दमन कॉलर है बात करें, हेलो अस्सलाम वालेकुम, ड्रॉप ना हो गई हो तो प्लीज जरा से देखिएगा। चले कोई बात नहीं, हो जाता है बात करते हुए रह जाओ, जब मैं इंट्रो दे रही थी फाइजा ब्यूटी क्रीम का तो उसमें ड्रॉप हो गई। अदीम अब मुझे ये बताइएगा कि इसको मैक्सिमम, ये तो अच्छा है कि वैसे चिकन तो जल्दी गल जाती है, क्या हम इसको मटन में भी बना सकते हैं? मटन में भी बना सकते हैं आप, इसको बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में और ज्यादा मजे का बनेगा।
चिकन से मटन ज्यादा मजे का लेकिन उसका ड्यूरेशन फिर कैसे कवर करेंगे? ये तो चिकन तो जल्दी कर जाए, उसको कैसे कवर उसको करेंगे? तो फिर हम लोग जैसे कि हम लोग अपने मैरिनेशन वगैरह लगा करके आपने उसको छोड़ दिया आधे घंटे के लिए पौन घंटे के लिए, जैसे 10-12 मिनट में हो रहा है तो उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स लगा के छोड़ दिए? तो हम लोग अदरक लहसुन का पेस्ट जिसमें हम लोग जैसे चॉप करके डाल रहे हैं उसके अंदर ना, उसके अंदर पेस्ट वगैरह डाल दिया, ठीक है, थोड़ा उसमें पानी भी चला जाता है, ठीक है, फिर उसको हल्की आंच में छोड़ देते हैं। इसको हम हाई फ्लेम पे बना रहे, उसको हम हाई फ्लेम में नहीं बनाते, उसको हम धीमी आंच में जब तक गोश्त ना गल जाए तब तक उसको गोश्त गलाता है। लगता होगा ना, फिर उसके बाद इंग्रेडिएंट जाता है। आपने क्या कहा, अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के आपने उसको थोड़ा सा रख दिया ताकि वो उसके अंदर ठीक है अरोमा, और उसके बाद हमने ऑयल गर्म किया, देन उसको उसके अंदर कढ़ाई में डाला और उसको उसको पहले हल्का सा भून लिया, ठीक है, थोड़ा सा पानी डालने के बाद थोड़ा नमक डालने के बाद उसको लो टेम्परेचर पे उसको कर दिया। इसके अंदर तो आपने बहुत ज्यादा ऑयल की क्वांटिटी, उसमें फिर ऑयल कम कर, उसमें ऑयल कम डाला है ना, क्योंकि उसमें पानी भी जाना है तो आहिस्ता आहिस्ता वो कुक हो जाना, बहुत गलाना जरूरी होता है। ओके ठीक है, ये तो फौरन गल जाता है, तो वो गल गया तो फिर तो ये उसके बाद जो आपको इंग्रेडिएंट्स है आपके पास डलते रहेंगे। अच्छा, सिर्फ अदरक लहसुन और हल्का सा नमक और फिर उसके बाद उसको पानी डाल के हम उसको थोड़ा पका देंगे जी जी, ताकि वो गल जाए और उस फॉर्म में आ जाए जो हमें फिर बाकी तमाम इंग्रेडिएंट, और फिर वो बन जाएगी रेस्टोरेंट मटन कढ़ाई। ओके जबरदस्त। अच्छा, मेरा दिल करता है पता क्या, मैं क्योंकि अपने पाकिस्तान के सारे शहर बहुत प्यारे लगते हैं, तो मैं गई जब उनका कागा नारायण इस साइड घूमी तो मैंने देखा कुछ उन्होंने एक परिंदा पकड़ा था बड़ा प्यारा, जो अब पता नहीं वो उस उधर के क्या हिसाब था क्या मुझे नहीं मालूम, मेरा दिल करता कोई हम बटेर या कुछ ऐसा बत्तख गाय का गोश्त बकरे का गोश्त और चिकन से हम आगे जा ही नहीं रहे हैं, तो कुछ ऐसा नहीं हो जाए जी, इतने आराम से मिलेंगे नहीं ये आपको मगाबी वगैरह इस तरह। चलो ना आप पकड़ने चले चले जी, ना हम लोग ब्रेक की तरफ जाए, इसको कितना और लगेगा, मैं चाह रही हूँ 8 से 10 मिनट 8 से 10 मिनट तो मैं और जा रहे हैं अदीम मुर्गाबी पकड़ने, तो जानेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड अदीम भाई के साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपके खिदमत में हाजिर है एक बार फिर, और ये है ब्यूटी सेगमेंट। और अभी आपने बहुत ही प्यारी एक मॉडल की ब्राइडल मॉडल की प्रेजेंटेशन देखी, और मेरी प्यारी प्यारी बहनें ऑलमोस्ट मौजूद हैं और शुरू हो गई हैं काम करते। मैं इनका पहले इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी, देन फिर मैं आपसे बात करती हूँ। इस वक्त सलमा फैसल मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, लिली सलोन से, कैसे हो आप? ठीक हो? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। आप कैसे? मजा आ रहा है यहाँ पर आना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा ये शो है, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी इस शो में आने की और आपसे मुलाकात करने की, और पीपीआई के जितने भी मेंबर हैं उनको मेरा सलाम, और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके। तो मैं तो सबसे कहूँगी कि सब यहाँ पे आएँ और सब अपना काम दिखाएं, क्योंकि पीपीआई ने यहाँ मौका दिया है हम जैसे लोगों को, तो मैं ये कहूँगी कि आप सब आएँ तो मुझे हम सबको बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, उनके बराबर में एक और मेरी प्यारी बहन है खालदा सईद, अस्सलाम वालेकुम खालदा, फ्रॉम जो है रूप सैलून से, कैसे आप? ऐसे हो ना चंदा, हाँ
कैसे आप? ठीक हो खालदा? और कौन सा आज मेकअप दिखा रहे हो और यहाँ आना कैसे लगा आपको? बहुत एक्साइटेड थी मैं यहाँ पे आने के लिए। ओके। और बहुत खुशी महसूस हो रही है पीवीआर के प्लेटफॉर्म में काम कर रही हूँ। जबरदस्त। अच्छा आज कौन सा ब्राइडल मेकअप पेश कर रहे हो? चाइनीज चाइनीज से लग रही थी लड़की मुझे। आप ऐसे बताएंगे कौन सा ये ब्राइडल मेकअप है? बारात का मेकअप है। ओके आप स्टार्ट ली तो मैं सलमा आपसे बात करना चाहूंगी आज। जी, जी। आपकी एक मॉडल तो हमारे पास यहाँ पर बैठी हुई है जी। ये जो है बहुत ज्यादा डिफरेंट कलर है और मुझे थोड़ा बेस बताएं कि सबसे पहले आपने क्या क्या यूज किया? मैंने सबसे पहले मुराल का बेस यूज किया है क्योंकि मुराल का बेस बहुत अच्छा है और उनकी काफी टाइमिंग तक रुकता है। और मैंने तो उनको जब भी किया, एक तो इनकी एज कम है, जितना मैंने लाइट पे रखूंगी तो ये ज्यादा होंगी, अच्छी लगेंगी। अगर मैं इनका डार्क मेकअप करूंगी इन पे बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा क्योंकि इन पे लाइट मेकअप ज्यादा होता है। तो इसी वजह आज मैंने वलीमे का एक इनको दिया है, लुक दिया है, तो इंशाल्लाह आप सबको बहुत पसंद आएगा। क्या स्टार्ट लिया आपने? आईज में मेकअप पे सबसे पहले मैंने ब्राउन कलर की इनके, मैं चाहूंगी जरा सा इनको क्लोज जरा सा दिखाएगा प्लीज, इनका फेस क्लोज दिखाएगा जी। मैंने सबसे पहले इनको आईब्रोज बनाए हैं टेप लगा के। टेप से मैंने इनकी वो की है, आईब्रो की फिनिशिंग की है और उसके बाद मैंने लाइट कलर का, डल गोल्डन कलर का मैंने हाइलाइटर किया, अभी जो कंप्लीट नहीं किया, और पीच कलर का मैंने लाइट कलर का इनकी आंखों पे शेड लगाया है। ओके तो आप स्टार्ट लें सलमा, हम फिर साथ साथ आपको ना, मैं चाहूंगी इसी तरह इनका जो है शिफ्ट हो तो क्लोज में जो है हमारी ब्यूटिशियन जो देख रही है इस वक्त सीख रही है उनको भी मालूम होता रहे मेरी गुफ्तगू में और सलमा की और खालदा की गुफ्तगू में। इनका क्लोज जब तक ये काम करी इनका जो है ना वो क्लोज जरा लीजिएगा। अच्छा मैं इस वक्त वहां पे बैठी हुई ब्यूटिशियन है और जो अगर इस मॉर्निंग शो में इस ब्यूटी सेगमेंट में अगर आप आना चाहते हैं, मैं पीबीआई प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन का थैंक्स करती हूँ जो अपनी ब्यूटिशियंस को ऑब्लाइज कर रहे हैं और उनको बिल्कुल गुड मॉर्निंग विद सभी में मौका दे रहे हैं वो अपने काम को इनहेंस कर सके, अपने काम को दिखा सके। और आप भी बिल्कुल हमारा जो है गुड मॉर्निंग विद सभी ब्यूटी सेगमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 03442069902 अगर आप इस मॉर्निंग शो का हिस्सा बनना चाहते हैं। नेक्स्ट ये है कि पीबीआई के प्लेटफॉर्म से विद कैरलॉन की एक बिगेस्ट क्लास होने जा रही है और वो है पीबीआई कोलैबोरेट विद कैरलॉन। और अगर आप ब्यूटी सेगमेंट यानी कि ब्यूटी वर्कशॉप का हिस्सा बनना चाह रहे हैं क्योंकि जबरदस्त 21 दिसंबर को ये क्लास होने जा रही है, अगर आप इस क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं, हेयर कलर्स भी इसमें होगा, इसमें ब्राइडल मेकओवर भी है, इसके अंदर जो है आपकी स्किन से रिलेवेंट बहुत सारी बातें हैं, तो अगर आप इस क्लास का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो देन कॉल टू अस 03442069902 इस नंबर पर आपको ये क्लास जो है आपको वर्कशॉप अटेम्प्ट करने का बेहतरीन मौका दिया जाएगा। अच्छा जी सलमा जो है इस वक्त जो है वो क्या लगा रही है और आईब्रो को सेट कर रही है और मैं अगर खालदा की तरफ जाऊं तो देखो खालदा क्या कर रही है जी। खालदा आईज मेकओवर, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। आज जी खालदा आपने हेयर स्टाइल भी बड़ा दबंग बनाया है बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा डिफरेंट सा है लेकिन बहुत क्यूटी सा है, बहुत प्यारा सा लग रहा है ब्राइडल हेयर स्टाइल। अच्छा ये भी बड़ी काउंट करती है सलमा के जो है कभी कभी हम लोग हेयर स्टाइल को भी बड़ा काउंट करते हैं और बेशक हम लोग दुपट्टा भी कैरी करते हैं लेकिन हेयर स्टाइल भी ब्राइडल बहुत काउंट किया जाता है, ऐसा है कि जी? जी हाँ बिल्कुल है, हेयर स्टाइल से आपकी पूरी लुक ही निकल आती है क्योंकि बहुत लुक चेंज होती है हेयर स्टाइल से, ऐसा बिल्कुल ठीक कह रही है। और साथ साथ मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा जो है हम लोग किचन की तरफ शहजाद भाई इजाजत हो तो अदीम हम आ सकते हैं या अभी थोड़ा टाइम लगेगा? अच्छा जी आ जाए हम आपकी तरफ जी, हम चलते हैं अदीम और अदीम बिल्कुल दिखा रहे हैं और क्या क्या डाले भाई इंग्रेडिएंट्स बताइएगा अदीम, मैं यहाँ बैठे बैठे पूछना चाह रही हूँ। अदीम बात कीजिए ना जी, डाल चुका हूँ इसके अंदर जी। रेस्टोरेंट कढ़ाई अदीम बना रहे हैं, खटाखट खटाखट आवाजें यहाँ तक आ रही हैं और खुशबू जो आप कसूर की मेथी डाल दी
सारी मेथी डाल दी? नहीं अभी अभी डालनी है। अच्छा, लेकिन अभी तो कढ़ाई की बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है भैया, ये बात बता दो, खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। और वैसे भी हमारा देसी टच है यार, यकीन करें, अदरक लहसुन क्या हमारी सौगात है पाकिस्तान की। और ये इन्होंने मारे चमचे के जोर जोर से खटखट। जी हम इसको थोड़ा स्टीम पर रखेंगे और हम आ गए आपकी तरफ ब्यूटी सेगमेंट में इस वक्त, क्योंकि जरा सा अदीम की जो कढ़ाई है वो एक प्रोसीजर में पक रही, तो हमने कहा इसको फुल फ्रेश आप लोग सीख सकें और इसी तरह आप एक स्टेप बाय स्टेप पका सकें। और अगर ब्यूटी सेगमेंट में आप हमें कॉल करना चाहें तो नंबर स्क्रीन पर PTCL मेंशन हो रहा है, देन कॉल टू अस। अगर आप कुछ भी हमारी ब्यूटिशियन से पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकती हैं। जी मैं इनकी मॉडल की तरफ जाऊंगी, आप यहाँ पर बैठे जरा से, यहाँ पर आप ये आप बैठ जाओ यहाँ पर, यस बैठ जाओ बैठ जाओ। हम चाहेंगे हम अपनी मॉडल्स को भी थोड़ा दिखाएंगे, थोड़ा सा उस साइड हो जाओ। ओके, और हम चलते हैं अपनी सलमा की जानिब। और सलमा क्या लगा रही हैं आप? ये मैं मुराल का लगा रही हूँ फिक्सिंग, ये बेस है मैं ये लगा रही हूँ, उसके बाद मैं इन पे शाइनर लगाऊंगी जो इस पे हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ी अच्छी बात पता है मुराल की क्या है, बिल्कुल हल्का सा मामूली सा कतरा आप लेंगे और आइस पे ऐसे करके लगाएंगे, जब हम शिमर लगाएंगे ना तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ओके ठीक है। अच्छा जी मैं इनकी मॉडल को दिखाती हूँ, और ये मॉडल माशाल्लाह बड़ा प्यारा आपने इनका ब्राइडल लुक दिया है, और इनकी आइस जरा बंद कीजिएगा, यस बहुत ही प्यारा इनका असल में ड्रेस बहुत सॉफ्ट टच सा है और दुपट्टा कलरफुल है, और ये बहुत प्यारा एक कॉम्बिनेशन आपने रखा, ये भी एक चेंज है कि आप जो है कलर अगर फॉर एग्जांपल थोड़ा सा सॉफ्ट रखें तो उस पर आप हैवी ज्वेलरी यूज कर सकते हैं। असल में सभी पता है क्या होता है, ज्यादातर बच्चियां रेड कलर नहीं पहनती, बहुत कम लाइट कलर पे आती है। अगर हमने रेड दुपट्टा रख लिया, रेड कलर की ज्वेलरी पहन ली, रेड लिपस्टिक लगा ली, तो इससे भी जरा चेंजिंग आ जाती है, क्योंकि बहुत बच्चियां जो होती है ना कम एज होती हैं वो ये चीज नहीं चाहती कि हम रेड जोड़ा पहने, होता तो अमूमन रेड ही जोड़ा है, अच्छा तो रेड ही रहेगा आपको ब्राइडल मेकअप होता रहे। ये होता है कि जब हम गुफ्तगू करते हैं तो मेरी प्यारी बहने जो है वो बात कर रही होती है तो फिर उनका काम ऐसे रुक जाता है और वो काम नहीं कर पाती है। तो मैं इससे पहले मैं चाहूंगी कि मैं आपसे फिर बात कर लेती हूँ, जब तक ये साथ साथ इनकी दिखाते रहे ये जो जो कुछ लगा रही है, आहिस्ता आहिस्ता कुछ चेंज आया तो बता देना, हम आपको ओवर टू हम आपकी तरफ आ जाएंगे। अच्छा जी खालदा का कहाँ तक मैं सोच रहा थोड़ा आपके पास ही आके मैं जरा करीब से भी देख लूँ कि कहाँ तक मैं कोर्स पहुंचा है, और आप हमारे मॉर्निंग शो का हिस्सा भी बन सकते हैं। और लाइव कॉलर है हमारे दरमियान तो बता दीजिएगा। ये अल्लाह अल्लाह पता नहीं क्या कुछ मौसम ठंडा हो गया है और आ गई है कुछ सर्दियां, ये हेयर स्टाइल है और मैं जरा करीब से देखना चाह रही हूँ, काफी स्मूथ सा है। जल्दी जल्दी करें, जल्दी 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 इनकी कंट्रोलिंग करें, मैं साथ साथ देखना चाह रही हूँ, हमारे नाज़रीन हमारे साथ बात करना चाह रहे हैं। अच्छा जी कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ, कौन है मेरे साथ? मैं CBI से बात कर रही हूँ, ज़ारा फहीम, मैं आपके मॉर्निंग शो में भी आई थी। ओके ज़ारा जी जी, और मैम ये दोनों ब्यूटिशियन सलमा और दूसरी जो है बहुत अच्छा वर्क कर रही है। ओके. और हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि PBI हमें ये प्लेटफॉर्म मतलब दे रहा है ना, जिससे हम बगैर ऑफ कोर्स कोई पैसा कोई चार्जेस नहीं होते और हम लोग यहाँ पर आते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है, आज इन लोगों का काम आप देख रहे हो? जी जी बिल्कुल देख रही हूँ, बहुत अच्छा दोनों वर्क कर रही है, बल्कि मैं तो और देखने वाली ब्यूटिशियंस को भी कह रही हूँ कि PBI ज्वाइन करें और बहुत बहुत आसानी से जो है आप इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सभी में, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप ब्यूटी सेगमेंट में आ सकते हैं। एक और बात कहना चाहूंगी मैं साथ साथ, और वो ये है कि देखिये बहुत सारे यानी कि आपको एक काफी काफी टाइम हो जाता है काम करते हुए, और ब्यूटिशियंस जो है डिफरेंट, मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि जब हमारे डिफरेंट ब्यूटिशियंस हैं वो जब उनकी ख्वाहिश होती है, जब उनका काम इतना प्रेजेंटेबल होता है तो उनका दिल करता है कि हम अपना काम को जो है और एक्सपोजर दें। तो बिल्कुल ऑफ कोर्स किसी ब्यूटिशियन को 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, 8 साल हो गए, लेकिन वो वहीं पर ही और स्टक हो गई है, और बेशक क्लासेस भी अटेम्प्ट करती हैं, क्लासेस लेने जाती हैं, लेकिन वो हमेशा देखने वालों को ही देख रही होती हैं, या डिफरेंट उनकी ये भी ख्वाहिश होती है कि बड़े चैनल पर जाके या किसी चैनल पर जाके प्रेजेंट करें, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। वो हमेशा वो ही लोग जा सकते हैं शायद जिनके बड़े सैलून हैं या बड़े नाम हैं, तो वो समझते कि वो उन्हीं के उसमें ही
प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन अब जो है ऐसा कुछ नहीं है। अब बहुत इजीएस्ट वीनस टीवी के गुड मॉर्निंग विद सभी के मॉर्निंग शो में आप इजीएस्ट आ सकते हैं और अपने काम को। मैं एक और बात बताऊंगी, मुझे बहुत इस चीज का है कि हमेशा मेरी सोच होती है कि हम दूसरे के लिए बेहतर सोचें, तो आप जब यहाँ आए तो कुछ अपने जो अंदर के हुनर को शेयर भी करें, आप अपने तक ना रखें। मेरा मकसद ये है कि यहाँ पर जो वहां पे बैठी ब्यूटिशियन है उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, लेकिन अगर आप दूसरों को भी अपना हुनर शेयर करेंगे, अपने स्किल्स आगे लेके जाएंगे, तो आप जो है आपके लिए आपके रिस्पेक्ट में इजाफा होगा। हमारे दरमियान एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं किरण बोल रही हूँ। कहाँ से बात करी है? मैं कोरंगी से बात कर रही हूँ। कोरंगी से जी, क्या कहना चाह रही हैं किरण, बताइए आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है? प्रोग्राम तो आपका बहुत अच्छा लग रहा है, मैं देखती हूँ। और मैं यही कह रही हूँ कि मतलब आप लोग आए जो भी है इसके अंदर क्लास लें, कैरी लॉन्ग की जो क्लास चल रही है ओके, उसके लिए उसके हवाले से कहना चाह रही हूँ। बहुत अच्छा है, लोगों को आगे आने का मौका मिलता है कम कॉस्ट के अंदर ओके, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को गुड, और आगे से आगे आ जाते हैं और जिसको मौका मिलता रहता है वो आगे से आगे चले ही जाते हैं। ओके, थैंक्स फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ब्यूटिशियंस जो है ऑफकोर्स हलचल मच चुकी है क्योंकि दिस इज द बिगेस्ट क्लास, मास्टर क्लास, और वो है पीबीआई विद कैरोलॉन की। और अगर आप इस क्लास का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, आप क्लास में अटेंड करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आप इन नंबर्स पर रब्ता करें 03-44-206-9902 पर, और आप इस ब्यूटी वर्कशॉप का हिस्सा बन जाए। अच्छा, मैं चाहूंगी कि जब ओवर टू अगर हम इस बेल्ट को दिखाएं और मैं चली जाऊं अपनी सीट पर, तो इजाजत है जी। आप मैं जाती हूँ अपनी जगह पर, फिर बात करती हूँ आप लोगों से भी, साथ साथ सलमा का मेक ओवर भी हो जाए। यस, ये सलमा कहाँ तक पहुंचा, मैं मुझे टाइम भी पता बस इनकी हमने कर ली आइस मेकअप में थोड़ा सा है और लेशेस लगाते हैं, हमारा मेकअप डन है थोड़ा सा है। अच्छा जी, इन्होंने कहा है कि फॉर एग्जांपल कितना रहेगा सर? बस 5 मिनट में आई लेशेस लगा, आई लेशेस लगा, मुझे टाइम मेंशन कीजिएगा। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूंगी, अमूमन पार्लर वाली के साथ जरा मसला होता है थोड़ा सा, जब भी लेशेस लगाती है लेशेस लगाती है तो लेशेस हमारी उतर जाती है, तो मैं एक नई चीज बताऊंगी उनको कि ये चीज है, इसको आप थोड़ा सा पानी में मिक्स करके आप इसके साथ लेशेस लगाएं, इतनी जबरदस्त लगी, ये मास्क है। अच्छा, मास्क से लगाते लगाएं, चलो देखिए आज हम देखते हैं, आज लाइव देख रहे हैं सलमा जी, आज आपको वो तरीका। अच्छा, मेरी भी आईलैशेस उतर जाती है अगर मैं शादी में कभी दिल किया, वैसे तो कभी होता ही नहीं है। अच्छा, हमारे इधर मैंने कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है भाई साहब? मैं शमा बोल रही हूँ। शमा जी, शमा कहाँ से? हेलो जी, जी कहाँ से, कहाँ से? ये गार्डन से। जी जी, पूछिए क्या पूछना है शमा। अच्छा, प्रोग्राम देख रही है तो प्रोग्राम में आना है कि नहीं आना? आप ब्यूटिशियन है? जी जी। अच्छा, आप ब्यूटिशियन है? ओके, आना चाह रहे हैं? अच्छा, थोड़ी शर्म आ रही है। अच्छा, ये होता है, अभी देखिए लाइव कॉल में एजिटेशन आपको हो रही है। चले, थैंक यू सो मच। कुछ और पूछना है, कुछ बात कहनी है तो कह सकती हैं, आप ही का शो है। अच्छा, बहुत देख रही हूँ। चलो, थैंक्स फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, आईलैशेस के ऊपर चलते हैं, सलमा जो है वो आईलैशेस। अच्छा, अभी ओवर टू कढ़ाई अदीम ने इशारा कर दिया। जी जी जी, पुटअप हो रहा है, कहाँ हो रहा है जी? अदीम बताएं, बात कीजिए। बस हमारी कढ़ाई रेडी हो गई है जी। ये भाई जबरदस्त, और जी लग गए हैं उसके ऊपर ये गार्निशिंग। फिजान भाई, गरम गरम नान बस आप रेडी रखिएगा। बिल्कुल लाइव शो है, हम क्यों नहीं कहेंगे भाई, जबरदस्त। ये हो गई कढ़ाई रेडी, थैंक यू सो मच अदीम फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में देख, ठीक है, थैंक यू। और हमने कर लिया अदीम का, शुक्रिया शेफ अदीम, हमारे इधर में मौजूद थे और उन्होंने बनाई थी रेस्टोरेंट कढ़ाई, और आप घर पे भी बना सकते हैं। अच्छा जी, मुझे जरा सा टाइम मेंशन कर दें कि कितना टाइम रह गया है,
और हम चलते हैं, ये आईलैशेस लग रही हैं और मास्क, ये कोई नई टेक्नोलॉजी ले आई हो आप? जी हाँ, ये मैं अच्छा अमूमन लगाती हूँ, लोग ना जब भी देखो तो नीचे की साइड पे लगाती है, तो ये ऊपर की साइड पे लगाएं आप इसको, और इसको ना खुश करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट लग जाएंगे। इसे क्लोज करें, बिल्कुल भी नजर नहीं आया मेरे घर में, पता नहीं चले। आईलैशेस के ऊपर वो लगा रही है तो जरा क्लोज कर दे ना उसको, तो ये लग रहे हैं इनके, जरा सा प्लीज। ये इन्होंने लगाया मास्क और मास्क लगाया, चले ये एक अच्छी बात है, हमें नहीं। और इसको ये ब्रश के ये 5 मिनट रह गए, 5 मिनट आपने क्या कर लेना आप देख लीजिएगा, ठीक है? हाँ जल्दी कर ले ताकि आपकी आपकी फिर ब्राइडल रेनबो रह जाए। ये देखिए बहुत क्लोज में देखिए मेरी बहन लगा रही है, थोड़ा सा इस तरफ हाथ कीजिएगा इनके चेहरे की तरफ, ये सा अब लगाइए। ये हमने लगा ली, लगा लिया उन्होंने, ठीक है। दूसरा इसका जब तक मैं लाइनर सेट करूंगी मैं ऊपर लगा लूंगी। अच्छा ये मास्क के उस पर लगाया जी, ऊपर लगाया, ड्राई हो गई, ठीक है। थोड़ी देर लगेगा इसको ड्राई होने जी जी जी, एक मिनट लगेगा बस, जब तक मैं लाइनर सेटअप करती हूँ ये हो जाएगा। ओके डन, हम लोग चलते हैं खालदा की जाने। और कितना रह गया है? हो गया, वाह भाई वाह, जबरदस्त जी लाइनर। बस क्योंकि ये ना चंदा आपने इतनी मेहनत की और वो आप लोगों की प्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पर ना आए तो फिर काम खराब हो जाएगा। मैं चाहूंगी जरा सा फास्ट कीजिएगा, जरा सा फास्ट। और मैं अपने नाज़रीन से भी साथ साथ बात करना चाहूंगी, और वो ये कि आप लोग अगर मॉर्निंग शो का हिस्सा बनना चाह रहे हैं और ब्यूटी सेगमेंट में आना चाह रहे हैं, और अगर वो खवातीन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स वो हैं जो हाथ से हैंडमेड वर्क करती हैं, खासतौर पर मैं एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स के लिए मैसेज देना चाहूंगी कि गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बनना चाहती हैं, तो वो खवातीन जो हाथ से चीजें बनाती हैं, चाहे वो केक हो, लाइक कुछ आपके फ्लावर्स हो, लाइक आप ड्रेस डिजाइनर हो, लाइक जो एक मैंने देखा गिफ्टिंग बना रही होती हैं, फिर मेहंदी डेकोरेशन है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप अपने हाथों से बनाते हो उनके लिए ऑनलाइन आप कुकिंग करते हो, तो वो तमाम एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स इस मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बनना चाहती है, तो ऑफ कोर्स नंबर है 03-44-206-9902 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जबरदस्त हो गई बात, अब हमारी ये आईलैशेस लग रही है, जरा क्लोज हो जाए आईलैशेस। ये सलमा जो है वो उन्होंने टेक्निक भी बता दी थी, इससे क्या होगा ये उतरेगी नहीं, ये उतरेगी नहीं, लेकिन मैंने उतारनी भी तो है। नहीं उतर जाएंगी आराम से, मुंह धोएंगे तो उतर जाएंगी, ज्यादा मार्क्स है दस फॉश हो गए, तो जब तक हम पानी तो लगाएंगे नहीं, बस आप जल्दी कर ले, जिसके रेडी हुई है वो आ जाए और सॉन्ग जो है वो रेडी रखे, और बिल्कुल टोटली डन जो है वो हो गया है सब कुछ। और हमारी जो है खालदा कितना रह गया है चंदा, बस अगर हो गया जी आईलैशेस लगाने आपने भी, बस जल्दी कर ले शर्मा, आर यू रेडी? हाँ बस थोड़ा सा, 2 मिनट का काम है, 2 मिनट हो गए, 2 मिनट अब रह क्या गया, बस इनका थोड़ा सा कॉर्नर रह गया। ओके कॉर्नर, ये देखे क्लोज में देखे, बहुत ही टचिंग इस वक्त ये शर्मा, बहुत ही प्रोफेशनली अंदाज। और जी हमारे जो है आज का जो है बहुत जबरदस्त रहा सेगमेंट, हेल्थ का भी, कुकिंग का भी, और ये है ब्यूटी सेगमेंट जी। ये देखे इस वक्त, अच्छा ये आईब्रो में थोड़ा सा कलर लग गया था जो मैं ये मस्कारे से इसको मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है? ठीक है, गुड गुड, बेहतरीन। और आज के शादियों का सीजन बैंकुट्स जो है वो हॉल्स वगैरह, बैंकुट वगैरह तमाम जो है वो तक तक भरे हुए हैं, और जो है लोग जो है वो फॉरन प्लीज SOPs का ख्याल रखें, और शादियों में जाने से मना नहीं है, लेकिन जरा सा वो हम लोग एक हमारी आदत है ना, जब मिलते हैं तो आए हाय हाय जादू की जप्पी लगती है, तो जरा सा एहतियात कीजिए, और सेहत बहुत ज़रूरी है, उनका भी ख्याल रखें जिनसे मिल रहे, और अपना भी ख्याल रखें। सही कह रही हूँ सलमा? बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो जज्बात कंट्रोल में नहीं होते ना। अच्छा अब तो रिलेटिव जो है ना, रिश्तेदार जितने भी हैं वो सब शादियों के मिलने के लिए रह गए बेचारे, और उन्हीं को उन्हीं दिनों मुलाकात होती है, अब तो लोग बहुत कम एक दूसरे के घर आना जाना हो गया, और एक ही जुमला मुंह से आता है सॉरी यार मसरूफ है, सॉरी यार मसरूफ है, ऐसे ही होता है। अरे यार बताइए, जब दूसरों को तैयार करो करो अपनी बारी होती, बंदा वैसे ही चला जाता है। ये बात भी सही कही है मेरी बहन ने,
जैसा जल्दी से जी मुझे कुछ खत्म हो गया टाइम, कितना रह गया जरा सा प्लीज मुझे मेंशन करें, मुझे आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट रह गया। हाँ भाई अब आप क्या करेंगे, बस ये हो गया हमारा, आ जाइए बस ये रेडी, अरे भैया जल्दी से सॉन्ग लगाए जरा जो, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप सॉन्ग लगा दे जल्दी से इनका, मैं प्रेजेंटेशन के बगैर प्लीज ना बंद कीजिएगा, सॉन्ग लगा दे रेडी, थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा, चल आप बैठ जाओ जल्दी गाने लगा, बुढ़े आप भी आ जाओ, आप इनका एल्बम दिखा दे जरा, गाने की आवाज बहुत कम है, ऊंचा करें।